हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो यू नो, वी आर बैक विद दी करंट अफेयर्स मैराथन पार्ट टू। आई नो थोड़ा डिले हो गया है, बट अगेन वी वांटेड टू इंक्लूड एज मेनी यू नो करंट अफेयर्स न्यूज एज पॉसिबल, राइट? तो एनीवे, इस लेक्चर में अगेन हमारी कोशिश यही है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया जाए, ताकि अगर किसी टॉपिक से प्रिलिम्स में मान लो जो स्टेटमेंट बनता है तो वो चीज आपको यहाँ से जो है मिल जाए, राइट? सो दैट यू कुड इजिली क्लियर दैट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को जो है आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। एंड अगेन बिफोर वी स्टार्ट, यू नो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी हैव लॉन्च द सेकेंड बैच ऑफ आवर फाउंडेशन कोर्स, ठीक है? जो हमने फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया था 2023 के लिए, उसका सेकंड बैच लॉन्च कर दिया है। एंड इसमें अब दो वेरिएंट्स हैं, एक बेसिक कोर्स है, राइट, जिसमें आपका पूरा इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कंप्लीट, 1000+ लाइव आवर्स ऑफ क्लासेस रहेंगी, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन रहेगा, कंप्लीट कवरेज रहेगा करंट अफेयर्स का, प्रिलिम्स की टेस्ट सीरीज रहेगी, डेली क्विज होगा, वैल्यू एडेड मटेरियल और ग्रुप मेंटरशिप कॉल्स होंगी। सो हर 15 दिन में एक ग्रुप मेंटरशिप कॉल रहेगी, साथ में डेडिकेटेड सी सेट और आंसर राइटिंग और ऐसे राइटिंग क्लासेस रहेंगे, राइट? द बैच इज स्टार्टिंग ऑन द 3rd of July, ओके? एंड दूसरा एक एडवांस्ड वर्जन लॉन्च किया है इस कोर्स का, फाउंडेशन कोर्स का, जिसमें वो सारे फीचर्स तो हैं ही, साथ में एडिशनली आपकी मेंस की टेस्ट सीरीज है और मेंटरशिप यहाँ पे पर्सनलाइज लेवल पे प्रोवाइड की जाएगी आपको, जहाँ फैकल्टी जो है पर्सनली वन ऑन वन आपको जो है मेंटर करेगा। एंड ओवरऑल दिस बैच इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd July। तो एंड यहाँ पे फोर्टनाइटली जो है मेंस के भी टेस्ट होंगे, पिछले वाले में फोर्टनाइटली आपके प्रिलिम्स के ही टेस्ट रहेंगे, बट यहाँ पे फोर्टनाइटली मेंस के भी टेस्ट होंगे, राइट? सो दीज आर विद दीज एडिशंस, एक एडवांस्ड कोर्स भी लॉन्च्ड है इसका। एंड अगेन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इनरोलिंग, तो एक क्वेरी फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में, वो आप फिल कर सकते हो, राइट? क्वेरी फॉर्म फिल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जो है। सो वी विल बी रीचिंग, इफ यू फिल दैट फॉर्म हम आपको रीच आउट करेंगे, और जो भी आपके कंसर्न्स डाउट्स हैं यू नो रिगार्डिंग दिस कोर्स, कैसे कोर्स आपको हेल्प करेगा, वी विल सॉर्ट देम आउट। तो दिस वाज द इंफॉर्मेशन, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर लेक्चर, ओके? सो सबसे पहला टॉपिक है रिगार्डिंग द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। सो दिस इज समथिंग जो अभी रिसेंटली भी न्यूज में था एंड इन जनरल भी ये न्यूज में रहा है, राइट? बिकॉज यू नो कि बैंक्स जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, राइट, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एनपीएस, राइट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और एज अ रिजल्ट इतने सारे एनपीएस हुए हैं, उनको राइट ऑफ करते हुए उनका जो कैपिटल यानी जो मनी है उसमें जो है स्टेक होल्डर्स का लगा हुआ था, इट हैड बीन डिप्लीटेड, ओके? तो टाइम टू टाइम जो है गवर्नमेंट को इनको रिकैपिटलाइज यानी वापस इनको पैसा देना पड़ता है, राइट, टू फंक्शन यू नो एंड टू इंश्योर दैट दे फंक्शन प्रॉपरली एंड दैट दे मीट दी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, राइट? सो आरबीआई ने कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी दी हुई है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, सी नॉर्मली हम क्या समझते हैं कि कोई बैंक है वो डिपॉजिट लेता है, राइट, और उसको लेंड कर देता है, बट ऐसा रियलिटी मतलब ये तो होता ही है, बट अगेन जो भी लेंडिंग और वो लेता है वो करता है, उसका कुछ पोर्शन जो है बैंक को अपना खुद का पैसा लगाना होता है, यानी जो शेयर होल्डर्स का पैसा। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में एक ही शेयर होल्डर कौन होता है? गवर्नमेंट, राइट? तो कुछ पोर्शन ऑफ मनी जो होता है, जो लेंडिंग वो करता है बैंक, उसका कुछ पोर्शन ऑफ मनी बैंक का खुद का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भी पैसा उसने डिपॉजिट में लिया वही वो लैंड करता चले गया, राइट? सो सम पोर्शन ऑफ मनी जो है लेंडिंग के लिए वो बैंक का खुद का होना चाहिए, यानी जो उसके ओनर से उनका होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर बैंक में ओनर कौन होता है? गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का होना चाहिए। और क्योंकि एनपीएस वगैरह होते हैं, अगर लॉस होता है बैंक को, सो देखो डिपॉजिट तो बैंक की लायबिलिटी है, राइट? बैंक को वापस डिपॉजिटर को पैसा देना ही देना है, बैंक को चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, ओके? सो अगर लॉस होता है तो वो लॉस कहाँ से बियर करता है बैंक? अपने जो कैपिटल मनी से, उससे, राइट, जो उसके पास शेयर होल्डर्स का मनी जो उसने लगाया था, लोगों ने इक्विटी उसमें, उससे जो है उसका लॉस जाता है, राइट? सो दैट्स व्हाई एनपीएस के कारण लॉस हुआ, उससे ये कैपिटल इनका कम हुआ, कैपिटल कम हुआ तो आरबीआई की जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं कर पाए, तो देर वॉज अ यू नो इशू की ये शायद से पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में चले जाए, राइट? क्योंकि अगर वो जो है ये रिक्वायरमेंट नहीं मीट कर पाते आरबीआई की, यू नो कुछ थ्रेशोल्ड होते हैं रिस्क के, राइट, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो होता है उसके अंदर क्या है, आरबीआई ने कुछ थ्रेशोल्ड डिटरमाइन करके कि उन थ्रेशोल्ड में देखते हैं कि ये बैंक रिस्क में जा रहा है, अगर वो बैंक रिस्क में जा रहा होता है तो उस पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है अंडर दिस पीसीए। तो आगे इसको डिटेल में देखेंगे, बट द बेसिक आइडिया यही है कि बैंक का जो है कैपिटल डिप्लीट हो रहा था बिकॉज एनपीएस के कारण लॉस हो रहा था,
और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट करने मीट करने के लिए उनको और पैसा चाहिए था, तो वो कैपिटल इन्फ्यूजन पब्लिक जो गवर्नमेंट का ही है, क्योंकि गवर्नमेंट इज वन ऑफ द ओनर्स ऑफ द बैंक, राइट, उसके पास शेयर है पब्लिक सेक्टर बैंक के, राइट, दैट्स वाई जो है गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया. सो दिस इज वॉट इज मेंट बाय बैंक रिकैपिटलाइजेशन, मीन्स इन्फ्यूजिंग मोर कैपिटल इन स्टेट रन बैंक सो दैट दे मीट कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स. ये नॉर्म्स कौन सेट करता है? आरबीआई. और क्यों ये कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स रखें? ताकि बैंक जो है सेफली फंक्शन कर सके, एक सर्टेन डिग्री ऑफ लॉस जो है वो बियर कर सके, एंड दैट दे डू नॉट फॉल अंडर पीसीए. ओके, तो ये आरबीआई की गाइडलाइंस, और आरबीआई ने भी ये गाइडलाइंस क्यों रखी है? बेस्ड ऑन बेसल नॉर्म्स. सो बेसल एक इंटरनेशनल नॉर्म्स है बैंकिंग के लिए, कि कैसे प्रूडेंट बैंक्स को प्रूडेंट रखा जा सकता है, कैसे उनको सेफ रखा जा सकता है, कैसे उन बैंक्स का रिस्क कम से कम किया जा सकता है, उसके लिए बेसल नॉर्म्स है. और उसके अकॉर्डिंग में आरबीआई ने गाइडलाइंस रखी है. और एक एक उसमें जो नॉर्म है वो है कैपिटल एडिक्वेसी का, ठीक है, कितना रखा है? आरबीआई ने कहा है कि 9% होना चाहिए, ठीक है. तो 9% ऑफ जो वो लेंडिंग करता है, राइट, जो उसके रिस्क वेटेड एसेट्स होते हैं. आई होप आपने बेसिक्स में ये पैरामीटर इसके लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, या जो हम सीआर बोलते हैं कैपिटल रिस्क यू नो एसेट रेशियो जो होता है, ठीक है, सीआर या कार, तो बेसिकली ये होता है कि जो उसका लोन का, हर एक लोन का अलग अलग अमाउंट ऑफ रिस्क होता है, तो उसके बेसिस पे टोटल रिस्क कैलकुलेट करते हैं. और उसका 9% जो है का जो है कैपिटल जो है बैंक्स में उनका खुद का पैसा, शेयर होल्डर्स का पैसा होना चाहिए, ये आरबीआई ने रिक्वायरमेंट रखी, ठीक है. सो एंड आई होप ये बहुत ही यू नो दिस इज समथिंग जो आपको स्टार्टिंग में पढ़ा होना चाहिए, बट नहीं पढ़ा तो नाउ यू नो अबाउट इट, ठीक है. और रिकैपिटलाइजेशन की नीड क्यों पड़ती है? अगेन, फर्स्ट इज टू मीट द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, दूसरा है टू बूस्ट क्रेडिट, राइट. सो अगर बैंक्स के पास यू नो खुद का कैपिटल ज्यादा होगा तो उनकी लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, राइट. दिस इज बिकॉज ऑफ द लेवरेज रेशियो. सो ये भी आगे आपको बताऊंगा मैं, ठीक है. एंड इट ऑल्सो मिटिगेट्स एनपीए का इशू जो है, अगेन उससे जो लॉसेस है वो बियर कर सकता है, मिटिगेट करता है. एंड अगर क्रेडिट जाएगा और बैंक्स की यू नो दे आर स्ट्रांग, बैंक्स स्ट्रांग होंगे तो वो लेंडिंग करेंगे, लेंडिंग करेंगे इकोनॉमी में तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है. बट अगेन इशू क्या है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट के खुद के पास इतना पैसा नहीं है, इट इज फेसिंग अ फिस्कल डेफिसिट, ये जो है फिस्कल डेफिसिट बढ़ा देता है, मोरल हजार्ड एंड टैक्स पेयर्स लॉस. सो बेसिकली सी, ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक है कहीं ना कहीं ये लॉस इनकर कर रहे हैं, तो उसमें एक रीजन ये भी है, कहीं करप्शन है या कहीं इनकी इनिफिशियंसी है, राइट. तो इनके करप्शन और इनिफिशियंसी के लिए जो है ये लॉस इनकर कर रहे हैं, और उसका भुगतान किसको करना पड़ रहा है? टैक्स पेयर को. जो गवर्नमेंट के पास पैसा है वो गवर्नमेंट का खुद का पैसा नहीं होता, गवर्नमेंट वो पैसा टैक्स कलेक्ट करके लेता, ओके. सो उससे जो पैसा इनमें डाल रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक में, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ टैक्स पेयर्स लॉस. और दूसरी चीज मॉरल हैजर्ड ये होता है कि बैंक्स को लगेगा कि यार हम नुकसान भी सह रहे हैं तो भी गवर्नमेंट जो है बार बार हमें पैसा तो दे ही देगा, राइट. सो दे वुड स्टॉप बींग इफिशियंट, राइट, और वो ऐसे फिर जो है प्रूडेंट और इफिशियंट होना स्टॉप कर देंगे, दे वुड टेक मोर रिस्की लेंडिंग, ओके. सो दैट्स व्हाई दीज आर सम थिंग्स अबाउट रिकैपिटलाइजेशन. अ प्रॉम्प्ट करेक्टिव फ्रेमवर्क पीसीए, राइट, जो आप अभी पढ़ रहे थे, अगेन इट वॉज ऑल्सो इन न्यूज, राइट, पहले भी न्यूज में रहा है, पहले ज्यादा रहा है, अभी इतना ज्यादा नहीं है. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक सुपरवाइजरी इंटरवेंशन है, मतलब बेसिकली देयर आर सम रिस्क थ्रेशहोल्ड्स, जैसे कैपिटल के लिए लेके, एसेट क्वालिटी को लेके और लेवरेज को लेके. लेवरेज मतलब वही चीज है कि डिपॉजिट्स कितने हैं और कितनी वो लेंडिंग कर रहा है. मान लो 100 रुपए का डिपॉजिट है और वो 1000 रुपए, 10000 रुपए की, 1000 रुपए की लेंडिंग कर रहा है तो लेवरेज कम है, बट 10,000 की लेंडिंग कर रहा है तो ज्यादा लेवरेज दे रहा है, राइट. सो सेम जो उसमें जो है 100 रुपए में अगर 10,000 की लेंडिंग करता है, मतलब लेवरेज ज्यादा ले रहा है, मतलब ज्यादा रिस्की है, राइट. और अगर उसके पास 100 रुपए का डिपॉजिट है और 1000 रुपए की लेंडिंग करता है, मतलब कम लेवरेज ले रहा है. एसेट क्वालिटी मतलब एसेट्स क्या होते हैं बैंक के, उनके जो है लोन्स होते हैं, तो अगर बैंक के एनपीए यू नो एक थ्रेशोल्ड को ब्रीच करते हैं, राइट, सो देन उसकी एसेट क्वालिटी डिग्रेड होती है. और कैपिटल तो आपको बता ही दिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. तो जो इंडिकेटर्स हैं इनके लिए क्या क्या है? सीआर या कॉमन इक्विटी टीयर वन रेशियो, नेट एनपीए रेशियो एंड टीयर वन लेवरेज रेशियो, राइट. सो ये जो है सारे इसके इंडिकेटर्स हैं जो देखे जाते हैं, और इनका कुछ थ्रेशोल्ड सेट करके. नाउ आपके लिए इस एग्जाम परस्पेक्टिव से एग्जैक्टली क्या थ्रेशोल्ड है वो जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट. रिस्क थ्रेशोल्ड 1, 2, 3 कर रखा है, और हर एक थ्रेशोल्ड पे अंडर दिस पीसीए फ्रेमवर्क कुछ ना कुछ एक्शंस जो है आरबीआई लेता है, जिसमें जो है वो उनको यू नो दे इट मे स्टॉप देम फ्रॉम लेंडिंग मोर, ताकि जो है ये बैंक्स क्या करें, रेमेडियल मेजर, ताकि बैंक्स जो है रिकवर कर सकें और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ जो है बैंक्स की इंप्रूव हो सके, उसके लिए है, ठीक है, कि बैंक्स का रिस्क कम कर देते हैं.
बट अगेन इससे कई बार क्या होता है, बैंक्स की लेंडिंग एक्टिविटी पे जो है काफी जो है रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, जिससे बैंक्स के लिए प्रॉफिट बनाने का एवेन्यू जो है वो कम हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज योर बेसल नॉर्म। सो अगेन कुछ चीज जो स्टैटिक में पड़ी होनी चाहिए आपको। सो अगेन इट इज दी एम इज टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ बैंक्स टू हैंडल स्ट्रेस, राइट। सो कुछ सर्टेन प्रूडेंशियल नॉर्म्स है कि बैंक्स को ये चीजें करनी चाहिए, राइट। नाउ दिस वॉज इन न्यूज बिकॉज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस AFIs के लिए भी जो है RBI ने Basel III का जो कैपिटल फ्रेमवर्क है, राइट, Basel III कैपिटल फ्रेमवर्क है, तो वो कहा है कि AFIs को भी जो है एप्लीकेबल होता है। ओके, एंड अंडर Basel III कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल कंजर्वेशन बफर और काउंटर साइक्लिकल बफर, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के अंदर ये तीनों चीजें एक सर्टेन उस तक मेंटेन करनी चाहिए। आई थिंक दिस इज अराउंड समवेयर अराउंड 8%, RBI ने इसको 9% रख रखा है। बाकी कैपिटल कंजर्वेशन बफर 2.5% और काउंटर साइक्लिकल बफर 0 to 2.5% जो ऑफ देयर रिस्क वेटेड एसेट्स वगैरह वो करना है उनको, ठीक है। सो अब आप पूछोगे कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, तो दीज आर इंस्टीट्यूशंस लाइक एक्सिम बैंक, राइट, एक्सिम बैंक हो गया आपका, नाबार्ड हो गया, ठीक है, सिडबी हो गया। सो इस टाइप की जो बैंक्स है जो सर्टेन कुछ फंक्शंस एट ऑल इंडिया लेवल परफॉर्म करते हैं, राइट, कुछ फाइनेंशियल फंक्शंस ऑल इंडिया लेवल पे परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक, एक्सिम, नाबार्ड, राइट, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी, ये आपके ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो अब इन इंस्टीट्यूशंस पे भी Basel III नॉर्म्स में जो है कैपिटल के रिक्वायरमेंट, जो कैपिटल जो फ्रेमवर्क था, ये तीनों चीजें जो है इन इंस्टीट्यूशंस को भी मेंटेन करना। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, LCR एंड नेट स्टेबल। सो इसमें भी LCR, एक तो लिक्विडिटी कवरेज देखते हैं। तो लिक्विडिटी बेसिकली कि बैंक्स के, देखो लिक्विड कोई भी चीज जब होती है जब उसको आप जो है इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो और इजीली स्पेंड कर सकते हो अपनी जो है लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए, राइट। सो इसमें ये रख रखा है कि बैंक्स को सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड्स जो है हाईली लिक्विड उसमें होना चाहिए, कि 30 डेज के स्ट्रेस में, मतलब 30 डेज में मान लो अगर उसको जो है बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत हुई, तो 30 डेज का एक बफर रखना चाहिए कि 30 डेज के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड एसेट्स उसके पास होने चाहिए। कि मान लो अगर बैंक के पास बहुत सा ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारे लोग जो है अपने डिपॉजिट्स वापस लेने के लिए आ जाते हैं, राइट। सो बैंक्स के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड एसेट्स होने चाहिए जो वो विच इट कुड कन्वर्ट टू कैश एंड गिव गिव मीट इट्स लाइबिलिटीज, ठीक है। इसके साथ साथ नेट स्टेबल फंड्स रेट, नाउ दिस इज अनदर पैरामीटर। तो दिस इंश्योर्स रिडक्शन इन फंडिंग रिस्क ओवर लॉन्ग टर्म होराइजन एंड इट रिक्वायर्स बैंक्स टू फंड देयर एक्टिविटीज विथ सफिशियंटली स्टेबल सोर्सेज ऑफ फंडिंग। यानी तो बैंक्स क्या करते हैं, फंड मतलब लोन देना, फंडिंग मतलब लोन करते हैं। नाउ ये जिसको भी लोन दे रहे हैं, सी लोन देने के लिए बैंक्स के पास भी, नाउ ऐसा हो सकता है बैंक्स के पास पैसा आ रहा है, एक आता है कि यार शॉर्ट टर्म 1 साल 1 ईयर का डिपॉजिट है और 1 ईयर के डिपॉजिट से बैंक लोन दे रहा है 10 साल तक। नाउ दिस इज, इसको बोलते हैं ये ज्यादा रिस्की फंडिंग है, राइट, क्योंकि 1 ईयर में बंदा तो जो इसने डिपॉजिट किया वो अपना पैसा ले जाएगा, तो बाकी 10 ईयर की फंडिंग उसको दे रहा है, उसको जो है बैंक को रिटर्न 10 साल में बहुत स्लोली मिलेगा। बट अगर इधर ही बैंक को अगर कोई स्टेबल सोर्स ऑफ फंड होता कि 10 ईयर्स या से 50 ईयर्स से जो है का जो है उसको कोई डिपॉजिट मिलता लॉन्ग टर्म, राइट। सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ मोर स्टेबल सोर्स ऑफ फंडिंग, राइट। सो बैंक्स को जो है एक 13% ऑफ NSFR मेंटेन करना पड़ता है, कि जो भी उसने लेंडिंग या फंडिंग की है एक 13% जो है उसको स्टेबल फंड जो जो होते हैं सोर्सेस ऑफ फंडिंग होते हैं वहां से फंड्स लेके जो है लेंडिंग करनी होती है उसको, ठीक है। लेवरेज रेशियो, जैसा मैंने बताया इट हैज टू बी एटलीस्ट 3%, राइट, इट इज द रेशियो ऑफ बैंक्स टीयर वन कैपिटल टू एवरेज टोटल कंसोलिडेटेड एसेट्स, ठीक है। तो टीयर वन कैपिटल और एवरेज टोटल कंसोलिडेटेड एसेट्स का जो है रेशियो जो है वो लेवरेज रेशियो है, कि कितना बैंक जो है लेवरेज ले रहा है, मतलब अपने पैसों कितना वो अपना पैसा लगा रहा है, उसको कितना टाइम्स जो है वो उसके बेसिस पे लेंडिंग कर रहा है, ओके। सो ये 3% होना चाहिए एटलीस्ट, ओके। ओवरऑल यहाँ पे आप देखो बेसिक Basel III का पूरा फ्रेमवर्क है, दो चीजें फोकस करता है, कैपिटल और लिक्विडिटी। कैपिटल क्यों, ताकि लॉस बियर कर सके, अगेन लॉसेस बियर कर सके, एनपीए वगैरह हो। लिक्विडिटी क्यों, कि मान लो ऑल ऑफ अ सडन जो है स्ट्रेस्ड फंडिंग सिनेरियो आ गई कि बैंक्स को जो है अपनी कुछ लायबिलिटीज मीट करनी है, बट पैसा उसके पास इमीडिएट में 30 दिन के लिए जो है लिक्विड फंड्स होने चाहिए, ओके। अगर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो अपनी शॉर्ट टर्म 30 दिन की लायबिलिटी नहीं मीट कर पाया, तो
इट विल बी डिक्लेयर्ड कि बैंक जो है कि जो है डिपॉजिटर का, मान लो लाइबिलिटी होती है डिपॉजिटर का पैसा, अगर वो वापस नहीं कर पाता, इन दैट केस क्या होता है, पीपल विल थिंक कि ये बैंक जो है मतलब फेल हो रहा है, इट इज गोइंग इनसॉल्वेंट, राइट, एंड इट कुड लीड टू अ सिचुएशन जो हम कहते हैं बैंक रन, यानी लोग देखेंगे कि यार इसका डिपॉजिट नहीं हुआ, फिर एक 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 करके सारे लोग जो है बैंक से पैसा निकालने लग गए, ओके। बाकी एनएसएफआर है, राइट, दैट इज द सेम थिंग, कि लिक्विडिटी मिसमैच नहीं होना चाहिए, कि भाई लॉन्ग टर्म लेंडिंग है और शॉर्ट टर्म वो है डिपॉजिट्स, ओके, या लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स शॉर्ट टर्म लेंडिंग, ओके, इस टाइप की चीजें जो है लिक्विडिटी में मिसमैच नहीं होना चाहिए। मान लो लाइबिलिटी जो है बैंक के जो है रिटर्न्स आ रहे हैं, रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में आ रहे हैं लॉन्ग टर्म लेंडिंग के कारण, कि बहुत लंबे समय में उसको बैंक को पैसा जो है अपना इंटरेस्ट वगैरह मिलना वापस होगा, राइट, बट इमीडिएट टर्म में लाइबिलिटी ज्यादा है, तो शॉर्ट टर्म में अगर मान लो लाइबिलिटी ज्यादा है और लॉन्ग टर्म जो रिटर्न है वो लॉन्ग टर्म में आएगा, सो दिस इज नोन एज एसेट लाइबिलिटी मिसमैच, राइट। और इसमें कई बार लिक्विडिटी क्रंच फेस करते हैं बैंक की, शॉर्ट टर्म में जो उनकी जो लाइबिलिटीज है उसको मीट करने के लिए पैसा नहीं है, इन दैट केस अगेन सिचुएशन आ जाती है बैंक रन की, जहां बोलते हैं कि बैंक्स आर नॉट एबल टू मीट देयर लाइबिलिटीज, ओके। बाकी यहाँ कैपिटल नॉर्म्स आप सबको बता ही दिए हैं कि मिनिमम कंजर्वेशन बफर और काउंटर साइक्लिकल बफर, ठीक है, और इसके अलावा रिस्क कवरेज, कंटेनिंग लेवरेज, तो उसके लिए लेवरेज रेशियो है, बाकी कुछ ऐसे भी पैरामीटर्स है जो विच आर क्वांटिटेटिव, जैसे रिस्क मैनेजमेंट और सुपरविजन के लिए कुछ गाइडलाइंस है कि ये चीजें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए बैंक्स को, और मार्केट डिसिप्लिन, ओके, सो मार्केट डिसिप्लिन में भी कि उनको कुछ डिस्क्लोजर्स वगैरह करने होते हैं, ये सब जो है ओवरऑल गाइडलाइंस। तो मेनली आप ब्रॉडली यही याद रखिए, कैपिटल और लिक्विडिटी, लिक्विडिटी में क्या है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, और फिर उसका मतलब क्या होता है कि 30 डेज की स्ट्रेस्ड फंडिंग सिनेरियो में वो जो है अपनी लिक्विडिटी मीट कर पाए, जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं 30 दिन की, उनको मीट करने के लिए उनके पास लिक्विड फंड्स होने चाहिए, और एक है नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, अगेन टू प्रिवेंट एनी एसेट लाइबिलिटी मिसमैच, ठीक है। बाकी यहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट, रिस्क कवरेज की रिक्वायरमेंट, लेवरेज भी कंटेन करना है कि ज्यादा वो बहुत ज्यादा लेवरेज ना ले, ओके, रिस्क मैनेजमेंट और सुपरविजन और मार्केट डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर टू इंश्योर कि बैंक्स जो है सेफ रहे, ओके, ये गाइडलाइंस इसलिए है, बेसल 3 के नॉर्म्स इसलिए हैं टू इंश्योर कि बैंक्स प्रूडेंट लेंडिंग करें और सेफ रहे, वो कोलैप्स ना हो, राइट, क्योंकि अगर बैंक कोलैप्स होता है तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, इकोनॉमी को जो है पूरी कोलैप्स हो सकती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज नाफेड, ओके, तो नाफेड अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नाफेड नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो जैसा नाम से ही देख सकते हो एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, राइट, दिस टाइप ऑफ इज नोन एज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो जिसको बोलते हैं हम डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और ये क्या करेगा, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को फंडिंग करेगा। अब आप बोलोगे कि सर बैंक्स क्यों नहीं कर सकते थे ये काम, देखो जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट है इसको फंडिंग करने के लिए हमें ऐसे इंस्टीट्यूशन चाहिए जो इनको लॉन्ग टर्म फंडिंग कर सके, राइट, विच कैन फंड देम इन लॉन्ग टर्म, राइट, बट बैंक्स के पास हमेशा जो भी पैसा आता है, राइट, वो उनका जो है शॉर्ट टर्म आता है, ठीक है, कई बार इसके कारण वो क्या मीट करते हैं एसेट लाइबिलिटी मिसमैच, ओके, वो इसलिए सूटेबल नहीं होते लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए, ज्यादा लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए उनको कई बार एक तो एसेट लाइबिलिटी मिसमैच होता है, दूसरा एक रीफाइनेंसिंग रिस्क होता है, ठीक है, कि रीफाइनेंसिंग रिस्क होता है उनके पास, तो इसलिए दे आर नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फंडिंग। लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन चाहिए होते हैं, जैसे जैसे आपका नाफेड, ओके। नाउ अगेन लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस क्या है, लॉन्ग टर्म याद रखना, ये लॉन्ग टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना, ये लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इसका पर्पस है, ठीक है, इट इज एस्टेब्लिश थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी स्टेचुटरी है, इट इज अ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 45L एंड 45N ऑफ RBI एक्ट, याद रखना। तो टोटल कितने अब हो गए आपके, 5, दिस इज द 5th AFI, और याद रखना मैंने क्या बताया, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो है आपका बेसिल 3 नॉर्म्स के कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है एप्लीकेबल, ठीक है, और ये अगेन ये क्लासिफिकेशन का है कि एक कोई इंस्टीट्यूशन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट इज अंडर RBI एक्ट, ठीक है, तो 5th है, इससे इसके अलावा कौन है, नाफिड के अलावा एक्जिम, नाबार्ड, सिडबी एंड नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, तो ये 4 है और 5th वन कौन हो गया, नाफिड, ठीक है, इट इज एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो अगेन इसका ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 1 लाख करोड़ का, ठीक है, और अगेन जैसे जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स देखे तो
फाइनेंशियल और डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स दोनों होंगे। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब टू डायरेक्टली लेंड, पैसा इन्वेस्ट करना या लेंडिंग देना या इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा खुद से लेंड करे या फिर इनडायरेक्टली लेंड करवाए गारंटी देके, या फिर इन्वेस्ट करवाए, इन्वेस्ट करे। ओके, लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट में मतलब क्या होता है कि ये पैसा उसमें इन फॉर्म ऑफ इक्विटी लगाएगा, लेंडिंग मतलब उधर डेट दे रहा है, तो यहाँ पे उसको क्या मिलेगा वापस जब लेंडिंग करेगा, तो वापस इस बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि इन्वेस्ट करेगा इक्विटी के फॉर्म में तो इसको डिविडेंड मिलेगा, राइट। और टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स फॉरन, यानी गारंटी देगा, तो अगर मान लो नाफिट गारंटी दे सकता है कि आप लोग इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, आई वुड बी यू नो गारंटिंग यूर कि आपको लॉस नहीं होगा, ये गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है, कोई भी जो है लॉस होगा या उसको कंपनसेट करेगा। तो इट वुड यू नो अट्रैक्ट यू नो अदर फंडिंग सोर्सेस जो है, जैसे पेंशन फंड्स वगैरह, ये होगा उनको जो है ये अट्रैक्ट करेगा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें। दूसरा ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ दिस इज टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट फॉर बॉन्ड्स, राइट। डेवलपमेंट किसका? बॉन्ड मार्केट का, राइट। मेनली क्या है, क्या डेवलप करना है इसको, कि बॉन्ड मार्केट या लोन मार्केट या फिर डेरिवेटिव्स मार्केट, ये डेवलप करना फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए बॉन्ड मार्केट, लोन मार्केट और ये सब जो है डेरिवेटिव मार्केट्स वगैरह, ये डेवलप करना इसका पर्पस है, ठीक है। एंड इट कैन, और नाफिट के पास पैसा कहाँ से आएगा, इन फॉर्म ऑफ लोन्स या इवन इन इंडियन रुपीज या फॉरेन करेंसीज, और इट कैन सिक्योर मनी बाय इशू एंड सेल ऑफ वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। यानी नाफिट भी क्या है, इट कुड इशू बॉन्ड्स, मतलब ये भी खुद लोन लेके फिर आगे दे सकता है, या डिबेंचर्स, ओके। बॉन्ड्स दे आर बैक्ड बाय यू नो समथिंग, डिबेंचर्स दे आर नॉट यू नो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, ठीक है। तो इट कैन, ये कहाँ से बोरो कर सकता है मनी, सेंट्रल बैंक से, आरबीआई से, कमर्शियल बैंक से, म्यूचुअल फंड से, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सब से पैसा बोरो कर सकता है, फर्दर इन्वेस्ट या लेंड या पे कर सकता है, ठीक है। एंड एक डीएफआई होता क्या है, ये जनरली आप जान लो। तो अगेन जैसा मैंने बताया था, स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन है विच इज अगेन बेटर सुटेड फॉर इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। और ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि डीएफआईज को, जो आपके डीएफआईज है उनको लाइसेंस कौन देता है, हु गिव्स देम लाइसेंस, राइट, हु गिव्स लाइसेंस टू डीएफआई। तो डीएफआई को लाइसेंस मिलता है फ्रॉम आरबीआई, ओके, आरबीआई इनको लाइसेंस देता है और आरबीआई ही इनको रेगुलेट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रिलिम्स में आपको आ सकता है कि कौन रेगुलेट करता है, कौन इनको जो है लाइसेंस देता है डीएफआई को, वो है आरबीआई। इनका पर्पस क्या है, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करते हैं, ठीक है। एंड जो नाफिड है, अगेन बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया, एंड इट इज अ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर दी आरबीआई एक्ट, ठीक है। शेयर कैपिटल कितना है, अथॉरिटी शेयर कैपिटल 1 लाख करोड़ का, ठीक। नाउ मूविंग ऑन, ठीक है, नेक्स्ट इज योर रैंप प्रोग्राम, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ न्यू स्कीम, एंड ये स्टार्ट होगी फाइनेंशियल 2022-23 से, ओके, मतलब स्टार्ट हो गई है, राइट। और इस स्कीम का पर्पस क्या है, पहली चीज तो ये याद रखना कि इसमें वर्ल्ड बैंक जो है असिस्टेंस दे रहा है, और वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस कैसे दे रहा है, दोनों फॉर्म में दे रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देगा यानी पैसे भी देगा, और टेक्निकल असिस्टेंस भी देगा वर्ल्ड बैंक, ठीक है। एंड अगेन दिस स्कीम वॉज फॉर्मुलेटेड एंड प्रपोज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली फॉर स्ट्रेंथनिंग एमएसएमई, राइट, इन लाइन विद द रिकमेंडेशन ऑफ यूके सिन्हा कमेटी, केवी कामत कमेटी एंड प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, राइट। सो अगेन बेसिकली इस स्कीम का एम क्या है, क्या क्या करना चाहती है, तो नाम से ही समझ सकते हो, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, राइट। और उसके लिए क्या करेगा, फाइनेंस पैसा मिलेगा एमएसएमई को, और टेक्निकल असिस्टेंस मिलेगी जिसमें वर्ल्ड बैंक भी हेल्प करेगा, राइट। नाउ कैसे हेल्प करेगा एग्जैक्टली, कि उनको मार्केट का, एमएसएमई को मार्केट्स का एक्सेस मिले, राइट, क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लोन्स वगैरह मिले, राइट। एमएसएमई के जो इंस्टीट्यूशंस हैं और गवर्नेंस करने के लिए जो है उनका रेगुलेशन, गवर्नेंस करने के लिए या उनको जो है सपोर्ट करने के लिए जो भी इंस्टीट्यूशन है, राइट, उनके लिए जो गवर्नेंस मैकेनिज्म्स हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे हो या स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे हो, उनको बेटर करना, ठीक है, उनको इम्प्रूव करना, सेंटर स्टेट लिंकेजेस और पार्टनरशिप बेटर करना, ठीक है,
और जो डिलेड पेमेंट्स के उनके इशू होते हैं उनको एड्रेस करना, एंड ग्रीनिंग ऑफ एमएसएमई, ये याद रखना। ग्रीनिंग ऑफ एमएसएमई मतलब बेसिकली उनको जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना, कि वो पॉल्यूशन कम करें, वो जो है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन प्रोटेक्शन में जो है कंट्रीब्यूट करें। ओके तो अगेन ओवरऑल इट विल एड्रेस द जेनरिक चैलेंजेस एज वेल एज कोविड रिलेटेड चैलेंजेस जो एमएसएमई फेस कर रहे हैं, राइट। एंड अगेन सी बेसिकली क्या करेगा ये, सी इट विल डू अ इम्पैक्ट एनहांसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम। सो एग्जिस्टिंग सी बहुत सारी एग्जिस्टिंग हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं एमएसएमई की, ओके चैंपियंस पोर्टल है, राइट, और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। वही स्कीम्स को कैसे हम और बेटर वे में इम्प्लीमेंट कर सकें ताकि एमएसएमई के जो मार्केट एक्सेस के, क्रेडिट एक्सेस के चैलेंजेस हैं, गवर्नेंस रिलेटेड चैलेंजेस हैं, वो सॉल्व हो, उसके लिए ये स्कीम है। ओके सो दिस स्कीम विल बी एमिंग टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग स्कीम्स, ठीक है, जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम एमएसएमई की चल रही होगी उनको बेटर करने की, वो बेटर इम्प्लीमेंट हो, वो बेटर इम्प्रूव हो, फॉर्मुलेट हो, उसके लिए हेल्प करेगी। ओके एंड अगेन इसमें क्या करेगा, उसके लिए टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस होगी जिसमें वर्ल्ड बैंक भी सपोर्ट कर रहा है। ओके और इनिशियली दो एरियाज हैं जिस पे फोकस किया जा रहा है, वन इज स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नेंस ऑफ एमएसएमई, राइट, एंड सेकेंड इज कि उनको मार्केट एक्सेस, उन एमएसएमई की फर्म की कैपेबिलिटीज बढ़ाई जाए, यानी उनको टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिले और फाइनेंस का एक्सेस मिले, मतलब नई टेक्नोलॉजी यूज करें तो बेटर प्रोडक्शन होगा उनका, राइट, एंड जो है बेटर फाइनेंस मिले, ठीक है। एंड अगेन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इसका है कि एक स्ट्रेटजिक सी रैंडमली नहीं इन्वेस्ट किया जाएगा, एक पूरा स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया जाएगा, अकॉर्डिंग टू दैट प्लान जो है इन्वेस्टमेंट इसमें किया जाएगा। ओवरऑल इस स्कीम को मॉनिटर कौन करेगा और पॉलिसी का ओवरव्यू कौन रखेगा, दैट इज एपेक्स नेशनल एमएसएमई काउंसिल, जो हेड कौन करेगा, मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई, ये याद रखना प्लीज पॉइंट, दैट एपेक्स लेवल पे एक नेशनल एमएसएमई काउंसिल है जो इस रैंप स्कीम और ओवरऑल एमएसएमई का परफॉर्मेंस जो है मॉनिटर करेगा। नेक्स्ट इज एमएसएमई यू नो इनोवेटिव स्कीम, राइट, सो अगेन इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच जिसमें इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड डिजाइन और प्रोटेक्शन ऑफ आईआर, इन तीनों चीजों पे फोकस किया गया है। ओके इसको आगे थोड़ा डिटेल में और देखेंगे हम, राइट। द एम इज कि जो एमएसएमईज है उसमें अवेयरनेस क्रिएट किया जाए अबाउट इंडियाज इनोवेशन, राइट, कि इंडिया में वो इनोवेशन करे, इसके लिए इंकरेज करें, नए नए आइडियाज लाए, उनको जो है इंक्यूबेट करें, उनको सपोर्ट करें, डिजाइन लाए उनको सपोर्ट करें, और उनको कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसमें सपोर्ट करें, ये जो है एम है एमएसएमई इनोवेट स्कीम पे, यानी इंक्यूबेशन के लिए, इनोवेशन के लिए, डिजाइन के लिए और आईपीआर प्रोटेक्शन के लिए जो है ये है, ताकि ये चीजों के थ्रू उनको जो है चैंपियंस बनाएंगे। चैंपियंस मतलब बेसिकली उनको जो है मतलब जो है कि ताकि वो लार्ज जो है बने, यानी ग्रो करें। ओके द आइडिया इज दैट दे ग्रो इवेंचुअली, दैट दे ग्रो, कि एमएसएमई जो है इवेंचुअली ग्रो करके बड़े बने, चैंपियंस बने, दैट इज द आइडिया, एंड दैट विल बी थ्रू इंक्यूबेशन, डिजाइन इंटरवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ आईपीआर। नेक्स्ट इज योर एक्सपोर्ट प्रिपेयरेडनेस इंडेक्स 2021। नाउ ये इंडेक्स किसने बनाया, नीति आयोग ने, एंड इट एनालाइजेस इंडियाज जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है उन्होंने कैसा परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, राइट, ये देखता है। और चार पिलर्स हैं एक्सपोर्ट पॉलिसी की, पॉलिसी कितनी सपोर्टिव है कि एक्सपोर्ट्स की, बिजनेस इकोसिस्टम कितना सपोर्टिव है एक्सपोर्ट्स का, एक्सपोर्ट का इकोसिस्टम यानी क्या आपके पास जो है एक्सपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, और भी जो दूसरी चीजें हैं एक्सपोर्ट्स के लिए कितनी फैसिलिटेट करने वाली है, ठीक है, एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कि एक्चुअली आपने कितना एक्सपोर्ट किसी स्टेट के यूटी ने किया है, राइट। ओवरऑल फाइंडिंग्स ये थी कि कोस्टल स्टेट्स आर बेस्ट परफॉर्मर्स, नेचुरली उनके पास जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है, और इनफैक्ट इंडिया का अराउंड 90% ट्रेड जो है मेरिटाइम रूट से होता है, तो इट इज वेरी नेचुरल कि कोस्टल स्टेट्स जो है, राइट, दे आर दी बेस्ट परफॉर्मर्स। उसमें भी टॉप पे गुजरात है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। लैंडलॉक स्टेट्स में हरियाणा इज द टॉप परफॉर्मर, एंड स्टेट्स विथ हायर एक्सपोर्ट्स, ये भी एक ऑब्जर्वेशन इसमें है कि जिन स्टेट्स का हायर एक्सपोर्ट था उनका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी ज्यादा रहा है, राइट। सो एक्सपोर्ट इज वन वे टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ एट स्टेट लेवल। ओके नाउ नेक्स्ट इज यूपीआई 123 पे। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव, ठीक है, प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूपीआई 123 पे क्या है, बेसिकली यू नो यूपीआई जो है, अभी यूपीआई कौन यूज कर सकता है, जिसके पास स्मार्टफोन है,
और जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है वो नहीं यूज कर पा रहा है, वो यूएसडी यूएसएसडी या वगैरह उसके थ्रू करता है। तो ये एक और मैकेनिज्म निकाला है जिसके थ्रू जो है फीचर फोन्स जो यूज करे, जो स्मार्टफोन नहीं यूज करे, जो पुराने वाले फोन्स आप देखते हो राइट, जो लोग फीचर फोन्स यूज करें वो भी यूपीआई की सर्विस को यूज करके पेमेंट्स कर सके सेफ और सिक्योर मैनर में राइट। सो इसमें क्या है, दे विल बी एबल टू टेक ट्रांजेक्शन थ्रू फोर टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव होंगे। एक कि आईवीआर का यूज करके वो यूपीआई, यूपीआई बेसिकली देखो यूपीआई क्या है, एक इंटरफेस है, एप्लीकेशन नहीं है, एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है जो सारे बैंक्स को और अलग अलग पेमेंट उसके मैकेनिज्म को एक साथ जोड़ता है राइट। और एप्स जो होते हैं जैसे पेटीएम हो गया, आपका भीम हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब क्या करते हैं इसके थ्रू, इससे जो है इसका जो प्रोग्रामिंग इंटरफेस है यूपीआई का वो ओपन है, तो ये सारे एप्स इससे कनेक्ट हो जाते हैं। दैट्स वाई आप पेटीएम से जो है अपने किसी भी बैंक से किसी भी दूसरे बैंक में जो है किसी के किसी भी बैंक में जो है आप पे कर सकते हो, क्योंकि बैकएंड पे जो है ऐप कनेक्टेड है इससे राइट। पेटीएम यूपीआई तभी बोलते हैं, तो इससे कनेक्टेड है और इससे कनेक्ट होके आप कहीं भी जो है पेमेंट कर सकते हो सेफ सिक्योर वे में। बट दैट इज ओनली फॉर स्मार्टफोन्स, क्योंकि स्मार्टफोन्स में आपको ये एप्स चाहिए। बट फीचर फोन अब कैसे करेंगे, फीचर फोन में आईवीआर होगा राइट। तो यहाँ पे पेटीएम भीम ये सब थे, यहाँ पे अब आ गया फीचर फोन में पेटीएम तो इंस्टॉल नहीं होगा, तो वहां पे आईवीआर हो गया और आईवीआर इससे कनेक्टेड होगा, या फिर एक ऐप टाइप की फंक्शनैलिटी जो है, तो ये ओईएम जो है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर वो है, वो फीचर फोन में ही इंटीग्रेटेड वे में जो है एक कुछ इस टाइप का ऐप टाइप की फंक्शनैलिटी डालेगा जिसके थ्रू यूपीआई से कनेक्ट होकर ट्रांजेक्शन की जा सकती है, या फिर मिस्ड कॉल अप्रोच है कि मिस्ड कॉल दे के आप जो है यूपीआई से ट्रांजेक्शन कर सकते हो, या फिर प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट। सो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये यूनिक चीज है, और ये याद रखना आप टोन टैग यूज किए जाएंगे, मतलब एक बेसिकली आप कॉल करोगे उस कॉल में फिर जो है पेमेंट वगैरह का वो इंटरफेस होगा ठीक है, और वो जब आप पेमेंट करोगे तो एक जो वहां पे कॉल पे एक यूनिक टोन आएगी, वो टोन आप जिसको पेमेंट करनी है उसके पास ले जाके आप रखोगे और वो यूनिक टोन के थ्रू जो है आपका पेमेंट होगा, दैट इज नोन एज टोन टैग ठीक है। सो प्रॉक्सिमिटी बेस्ड पेमेंट्स, अगेन ये जो पेमेंट सिस्टम है बैकएंड पे इंटीग्रेटेड होगा आपका यूपीआई ठीक है। तो यूपीआई बेसिकली एक इंटरफेस है जो सारे बैंक अकाउंट्स वगैरह सबको एक साथ कनेक्ट करने की जो है कोशिश करता है और फंड ट्रांजेक्शन में हेल्प करता है राइट। और उसको जो है ये बैकएंड में चलता है, इससे पेटीएम कनेक्ट हो सकता है, भीम वगैरह ये सब स्मार्टफोन में, और फीचर फोन में आईवीआर के थ्रू, या फिर साउंड बेस्ड पेमेंट सिस्टम्स जो होते हैं टोन टैग वगैरह उसके थ्रू, या फिर ऐप बेस्ड फंक्शनैलिटी इंटीग्रेटेड वे में जो है फीचर फोन में डाल सकते हैं उसके थ्रू, या फिर मिस्ड कॉल अप्रोच के थ्रू ठीक है। तो दिस इज हाउ वन यूपीआई 123 पे के थ्रू जो है, जो लोग फीचर फोन यूज करें पर्टिकुलरली जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते स्मार्टफोन उनके लिए है। सो इट विल हेल्प इन अल्टीमेटली इन इट विल हेल्प इन फाइनेंशियल इंक्लूजन ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, तो बेसिकली एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है ओके, एंड इट विल अंडरटेक सरप्लस जो लैंड एसेट्स हैं राइट, जो आपके पब्लिक सेक्टर एजेंसी के हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं उसका मोनेटाइजेशन ठीक है। सो इट विल अंडरटेक मोनेटाइजेशन ऑफ सरप्लस लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ठीक है। इट विल ऑल्सो कहीं ना कहीं ओन होल्ड एंड मैनेज एंड मोनेटाइज सरप्लस लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स ऑफ इवन दो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो बंद हो रहे हैं राइट, या फिर जो नॉन कोर लैंड एसेट्स है गवर्नमेंट ओन्ड जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है जो स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट में, उनका जो है ये एसेट का जो है मोनेटाइजेशन करेगा ओके। एंड इट विल सिर्फ यही नहीं कि ये एसेट्स लेके एक तो मोनेटाइज करना है वो तो हो गया, दूसरी चीज एक एजेंसी टाइप से फंक्शन भी करेगा, मान लो कोई गवर्नमेंट एंटिटी है वो अपने एसेट को जो है मोनेटाइज करना चाहती है राइट। सो ये क्या करेगा, उसको एक वो प्रोसेस में मोनेटाइजेशन के प्रोसेस में एज एन एजेंसी हेल्प करेगा राइट, प्लस बेस्ट प्रैक्टिसेस रिकॉर्ड करेगा ओके, और भी जो है काफी तरीके से जो है हेल्प करेगा ठीक है। सो ओवरऑल इट विल ऑल्सो एडवाइज एंड सपोर्ट गवर्नमेंट एंटिटीज इन कैरिंग आउट दी मोनेटाइजेशन की, ताकि उनको अपने जो एसेट्स की बेस्ट वैल्यू मिले ओके। एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस की रिपोजिटरी होगा इन लैंड मोनेटाइजेशन, असिस्ट एंड प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस टू गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम ठीक है। एंड इट विल बी अंडर दी एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ठीक है। तो याद रखना क्या चीजें करेगा कैसे करेगा ओके। नाउ अगेन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है,
सी, जब हम बोल रहे हैं मोनेटाइज, तो मोनेटाइज का मतलब जो होता है सेल करना नहीं होता, राइट? सो मोनेटाइजेशन डज नॉट मीन सेल, इट ओनली मीन्स कि आप जो है अपने रेवेन्यू राइट्स उस पे एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो एक प्राइवेट प्लेयर को दे रहे हो सकता है 50 साल हो, 100 साल हो, जितने भी सालों के लिए दे रहे हो आप दे रहे हो, और इन रिटर्न गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, या तो एक अपफ्रंट पेमेंट मिल जाएगी, या फिर वो एसेट को यूज करके प्राइवेट सेक्टर जो भी रेवेन्यू अर्न करेगा उसका एक शेयर दे सकता है, या फिर ये होगा कि जो है प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें कुछ एसेट्स में जो है इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है? तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय मोनेटाइजेशन, ठीक है? बट इट इज नॉट लाइक कि प्राइवेट प्लेयर को बेच ही दिया है, राइट? एक सर्टेन स्पेसिफिक टाइम के लिए उसको जो है रेवेन्यू राइट्स दिए हैं उस पर, ठीक है? नेक्स्ट इज नेशनल इंटरनेशनल, एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज या एनएससी आईएफएससी। तो बेसिकली अभी तक जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे आप कौन से स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो, डोमेस्टिक, जो इंडिया के स्टॉक हैं, जो रुपी के रुपी डिनोमिनेटेड हैं उन्हीं स्टॉक्स में कर सकते हो। अब अगर आपको यूएस के या डॉलर डिनोमिनेटेड इंटरनेशनल स्टॉक्स में ट्रेड करना है, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है एनएससी, ठीक है? एंड इट विल बी अ फुली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, ठीक है? एंड इसके लिए अप्रूवल किया है, इट विल बी एस्टेब्लिश्ड इन गिफ्ट सिटी गुजरात, ठीक है? एंड अगेन इसमें क्या है, स्टॉक एक्सचेंज जो भी गिफ्ट सिटी में ऑपरेट करेंगे दे विल बी अलाउड टू ट्रेड इन सिक्योरिटीज अदर देन इंडियन रुपी, राइट? अगर अभी आपको यूएस स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना हो तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। आपको मान लो यूएस की किसी कंपनी का स्टॉक चाहिए, टेस्ला का स्टॉक चाहिए, आप डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, यू विल गो एंड बाई थ्रू अ ब्रोकर और सम अल्टरनेटिव रूट, ओके? बट एट नेशनल एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज आप जो है इन यूएस की कंपनीज या और भी दूसरी इंटरनेशनल कंपनीज है उनके स्टॉक्स में जो है आप इसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली, ओके? तो कैसे, क्या क्या चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हो आप, इक्विटी शेयर्स, राइट, ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन आउटसाइड इंडिया, अभी तक जो एनएससी में था वो इंडिया के विद इन ही बट आउटसाइड इंडिया, डिपॉजिटरी रिसिट्स, डेट सिक्योरिटीज ऑफ एलिजिबल इंश्योरर्स, करेंसी इंडेक्स, इंटरेस्ट रेट एंड नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव्स एंड ऑल कैटेगरीज ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इन स्टॉक एक्सचेंज इन FATF एंड IOSCO compliant jurisdiction, यानी जो भी jurisdictions FATF compliant है वहां पे आप जो है अलग अलग टाइप के शेयर्स हो गए, राइट, डिपॉजिटरी रिसीट हो गई, डेट सिक्योरिटीज हो गई, करेंसी इंडेक्सेस हो गए, राइट, इंटरेस्ट रेट इंडेक्सेस हो गए, या जो भी नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव हो गए उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है? तो दैट इज द पर्पज। सो बस सिंपल पर्पज है कि इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस में इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं, राइट, नॉट स्टॉक एक्सचेंज एग्जैक्टली, बट जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे अपने शेयर्स इशू कर सकती हैं, एंड पीपल कुड इन्वेस्ट देयर, राइट, एंड दे कुड बी डिनोमिनेटेड इन नॉट ओनली इन डॉलर्स और इन अदर करेंसीज, ठीक। तो ये था आपका एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज। नाउ नेक्स्ट इज मार्केट इंस्टीट्यूशन, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, राइट? नाउ अगेन आपको समझना है ये होता क्या है। तो बेसिकली आपके जो स्टॉक एक्सचेंज हैं, जो डिपॉजिटरीज हैं, जो क्लियरिंग हाउसेस हैं, दे आर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। बेसिकली कोई भी इंस्टीट्यूशन जो आपको मार्केट ट्रांजेक्शन कराने में हेल्प करता है, उनको सेटल करने में हेल्प करता है, राइट, दे आर नोन एज मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन एंड दे आर की पार्ट ऑफ नेशंस वाइटल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? एंड दे आर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, ये सब इंडिया में सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, मतलब दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? वाई? बिकॉज इन इंस्टीट्यूशन के ऊपर ही जो है इट इज डिपेंडेंट, इनके ऊपर पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती है, कई लोगों का पैसा लगा हुआ है, राइट? एंड इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, बहुत हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज इन पे लिस्टेड है, कैपिटल बहुत सारा, यहाँ से पैसा बहुत सारा रेज करते हैं, इन्वेस्टर्स का बहुत सारा पैसा है, राइट, ब्रोकर्स हैं, डिपॉजिटरीज हैं, एंड बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स है योर डिपॉजिटरीज में, ठीक है? तो दैट्स वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो याद रखना MNRE कौन होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज, क्लियरिंग हाउसेस, राइट? एनी इंस्टीट्यूशन जो भी विच हेल्प्स इन कैरिंग आउट दीज मार्केट जो है ट्रांजेक्शन, इट इज अ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, ठीक है? इंडिया में कौन कौन से MNREs हैं, तो ये सेबी क्लासिफाई करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज में सेबी ने 7 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, BSE हो गया, NSE हो गया, MCX, MCEI हो गया, राइट, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये सब आपके मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन।
डिपॉजिटरीज, राइट, डिपॉजिटरीज क्या होती है, जो सिक्योरिटीज होती है, यानी जो आप जो भी चीज आप खरीदते हो, किसी के शेयर्स हो गए, किसी के डेट सिक्योरिटीज हो गई, इन सिक्योरिटीज का सेफ कीपिंग और इनके ट्रेडिंग और ट्रांसफर को जो फैसिलिटेट करते हैं, राइट, दोज आर नोन एज डिपॉजिटरीज. एक CDSL और एक NSL, ये दो इंपॉर्टेंट डिपॉजिटरीज है. दे आर इंपॉर्टेंट मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन. इसके अलावा रेगुलेटर साथ क्लियरिंग हाउसेज जो ट्रांजेक्शन को सेटल करने में हेल्प करते हैं, जैसे MCX हो गया, राइट, ये जो है क्लियरिंग हाउसेज जो है, इसको भी जो है दे आर पार्ट ऑफ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन. सो याद रखना, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज और क्लियरिंग हाउसेज, राइट. और क्लियरिंग हाउसेज क्या करते हैं, दे टेक यू नो दे हेल्प वैलिडेट एंड फाइनलाइज सिक्योरिटीज ट्रेड एंड इंश्योर दैट बोथ बायर्स एंड सेलर्स यू नो ऑनर देयर ऑब्लिगेशन. ठीक है, सो ये जो है जो ट्रेड होता है जो भी सिक्योरिटीज का, उसको वैलिडेट और फाइनलाइज करते हैं. ठीक है, बाकी ये डिपॉजिटरीज सिक्योरिटीज को रखते हैं और ट्रेड फाइनलाइज क्लियरिंग हाउस में होने के बाद ये डिपॉजिटरीज उस सिक्योरिटी को ट्रांसफर कर देते हैं. नाउ जैसा कि मैंने कहा था कि एमएसएमई इनोवेशन स्कीम के बारे में डिटेल में देखेंगे, तो नाउ जैसा कहा था कि ये स्कीम विल बी अ हब फॉर इनोवेशन एक्टिविटीज. ठीक है, सो दैट जो एमएसएमई की जो आइडियाज है, राइट, दे डेवलप इन टू वायबल बिजनेस प्रपोजिशन एंड विच कुड बेनिफिट द सोसाइटी एंड अल्टीमेटली वो अच्छे से मार्केट भी किया जा सके. नाउ इसमें जो कंपोनेंट्स मैंने कहा था, इंक्यूबेशन, डिजाइन एंड आईपीआर, तो जो डिजाइन कंपोनेंट है उसमें क्या करेंगे, इसमें मेंटरिंग दी जाएगी और फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी टू सॉल्व डिजाइन रिलेटेड प्रॉब्लम फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. यानी प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए नए नए कोई भी इशू है, राइट, प्रोडक्ट को डेवलप की डिजाइन करने में, उसमें मेंटरिंग सपोर्ट और फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा एमएसएमईज को टू डिजाइन न्यू प्रोडक्ट्स, राइट, उसके लिए मेंटरिंग और फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा एमएसएमई को. ठीक है, सो न्यू प्रोडक्ट के लिए भी एज वेल एज कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव, उसको थ्रू यू नो बेटर डिजाइन इंप्रूव करने के लिए भी जो है मेंटरिंग और फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा. सेकेंड इज इंक्यूबेशन. तो इंक्यूबेशन पार्ट में क्या किया जाएगा, टू प्रमोट द अडॉप्शन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इन एमएसएमईज, राइट. सो एमएसएमईज में जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करें, राइट, उसके लिए उनको जो है इंक्यूबेट किया जाएगा, उनके आइडियाज जो है उनको जो है यू नो इंक्यूबेट किया जाएगा, ताकि ओवरऑल फिर ओवरऑल वो जाके जो है डेवलप हो सके फाइनली इनटू अ वायबल बिजनेस. ओके, फिर थर्ड कंपोनेंट इनोवेटिव. इनोवेटिव इनोवेशन में क्या है, सो आईपीआर जो है थर्ड कंपोनेंट इसका, इसमें क्या कैटर करेंगे, मेजर्स लेंगे सो दैट एमएसएमईज का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो उसको प्रोटेक्ट कर पाए, और अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं पर प्लस उसको कमर्शियलाइज भी कर पाए, यानी उसको बेच भी पाए, राइट, उसको कुछ उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे कुछ प्रोडक्ट डेवलप करके उसको जो है बेच भी पाए. ठीक है, एंड एज अ पार्ट ऑफ इंक्यूबेशन स्कीम, राइट, गवर्नमेंट ने जो है अनाउंस किया एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन, मतलब ताकि नए नए आइडियाज आए. इंक्यूबेशन क्या, कि एक आइडिया को वायबल बिजनेस में डेवलप कर, उसके लिए सारा सपोर्ट दिया जाता है. ओके, सो आइडिया हैकाथॉन में आइडियाज आएंगे, फिर उसको जो है सपोर्ट दिया जाएगा सो दैट वायबल बिजनेसेस हो. इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस का भी प्रोविजन है, अप टू 15 लाख पर आइडिया, राइट, टू दीज होस्ट इंस्टीट्यूट्स, एंड 1 करोड़ का सपोर्ट रहेगा फॉर प्रोक्योरिंग प्लांट एंड मशीनरी फॉर एमएसएमई. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. Now, next is your emergency credit line guarantee scheme. Okay, emergency credit line guarantee scheme. Basically, ये news में इसलिए क्योंकि इसको 31 मार्च 2023 के लिए extend कर लिया. ये scheme थी जो COVID के times में launch की गई थी, और जैसा कि आप देख सकते हो credit line, यानी basically जो MSMEs वगैरह थे या जो businesses थे, अब जो बिजनेसेस यू नो बिकॉज ऑफ कोविड देवर फेसिंग लॉसेस एंड ऑल, राइट, वो बिजनेस अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, तो कोविड के इम्पैक्ट को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा बैंक से कि आप जो एग्जिस्टिंग आपके पास बोरोवर्स है उनको आप थोड़े टाइम के लिए एक्स्ट्रा क्रेडिट, कुछ जो भी उन्होंने बोरोइंग किया उसका थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे दो, ताकि दे कैन ओवरकम दी कोविड क्राइसिस, जो कोविड का इम्पैक्ट है, राइट. और जो भी आप एक्स्ट्रा पैसा दोगे उनको, उसका जो है आपको गारंटी कौन देगा, कि अगर उसको वो नहीं पे कर पाए तो उसकी गारंटी या बैकिंग कौन देगा, गवर्नमेंट देगी. ओके, सो दैट वॉज द एम ऑफ दिस स्कीम. ठीक है, तो जो अभी इसको यू नो 3.0 लॉन्च किया है और एक्सटेंड किया है, 3.0 में बिजनेस एंटरप्राइजेस जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है, ट्रैवल और टूरिज्म, लेजर एंड स्पोर्टिंग सेक्टर्स, ये भी अब जो है क्रेडिट अवेल कर सकते हैं अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम. ठीक है, और एक्सटेंट ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटीज जो ईसी
जो इसमें अवेल्ड हैं उसको भी बढ़ा दिया गया है फॉर एलिजिबल बोरोवर्स इन ऑल सेक्टर्स, यानी अमाउंट जो क्रेडिट जो है इमरजेंसी क्रेडिट ले सकते हैं, क्रेडिट लाइन ले सकते हैं, वो बढ़ा दी गई है। एंड साथ में इंडिविजुअल्स एंड प्रोप्राइटी कंसर्न, राइट, जो पहले इंक्लूडेड नहीं थी इस स्कीम में, अब वो भी जो है इसमें क्रेडिट फैसिलिटीज को ले सकते हैं। तो बेसिक अगेन जो है इसमें जो चेंजेस हैं वो ये हैं, राइट। बेसिक स्कीम वही थी कि जो है क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा, एक्स्ट्रा क्रेडिट दिया जाएगा उनको ओवर एंड अबाउट देयर करंट बोरोइंग। ओके, नाउ ये जो है फर्दर जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, डेडलाइन मतलब टाइमलाइन भी एक्सटेंड कर दी गई है, और प्लस सेक्टर्स एज वेल एज कौन कौन से यूनिट्स जो है इसको बोरो कर सकते हैं एंड अमाउंट भी जो है उस सबको भी एक्सटेंड कर दिया गया। नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ बैंक का इनोवेशन हब। सो आरबीआई ने एक इनोवेशन हब निकाला है। नाउ दिस इज होली ओन्ड सब्सिडरी, मतलब पूरा जो है कंपनी बनाई है आरबीआई ने, राइट, जो पूरी आरबीआई की कंपनी है जिसमें पूरा पैसा आरबीआई का लगा हुआ है, जिसमें इनिशियल कैपिटल 100 करोड़ रहेगा। और इसका एम क्या है इस कंपनी का, इट एम्स टू फैसिलिटेट प्रमोट एंड फैसिलिटेट एन एनवायरमेंट दैट एक्सेलरेट्स इनोवेशन अक्रॉस फाइनेंशियल सेक्टर, यानी फाइनेंशियल सेक्टर में इनोवेशन प्रमोट करना इस जो आपकी आरबीआई इनोवेशन हब है उसका एम, ठीक है। एंड जो इनोवेशन है उसके थ्रू इट एम्स टू इंश्योर कि सुटेबल एंड सस्टेनेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बने जो इंडियंस को जो है जिन लोगों को यू नो फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है उनको फाइनेंशियल सर्विसेज मिले इन अ फ्रिक्शनलेस मैनर, राइट। इंटरनल कैपेबिलिटीज बाय बिल्डिंग अप्लाइड रिसर्च एंड एक्सपर्टीज, यानी विद इन आरबीआई जो है कैपेबिलिटी बने कि वो जो है न्यू इनोवेशन करे, राइट। एज वेल एज इट विल कोलैबोरेट विद वेरियस फाइनेंशियल सेक्टर इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसी बॉडीज एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, सो दैट जो है उनके सबके साथ मिलके नए नए टाइप के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाए, फाइनेंशियल इनोवेशंस लाए, जिसके थ्रू जो है अगेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइडिंग गुड फाइनेंशियल सर्विसेज सबको जो है वो फर्दर हो। नेक्स्ट इज योर पर तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट। ओके, तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट को जो है आपका अभी ऑन होल्ड कर दिया गया है, गुजरात में प्रोजेक्ट है। तो इसमें बेसिकली ये तीन रिवर्स हैं, रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट है, सरप्लस वाटर जो है आपका वेस्टर्न घाट से इन महाराष्ट्र टू सेमी एरिड रीजन ऑफ सौराष्ट्र इन कच्छ जो है लाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो तीन रिवर्स को लिंक किया जाएगा, पर तापी नर्मदा, राइट, जो सारी फ्लो करते हैं थ्रू डिस्ट्रिक्ट ऑफ बोथ महाराष्ट्र एंड गुजरात वाया कैनाल। ओके, एंड इसमें 7 डैम्स और 3 वियर्स और 6 पावर हाउसेस भी बनाए जाएंगे। ओके, तो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आपको लोकेशन पता होना चाहिए रिवर की, और डेफिसिट जो सरप्लस रीजन कहाँ से, सरप्लस वाटर कहाँ मिलता है आपको, वेस्टर्न घाट्स में, वहां से डेफिसिट रीजन कौन सा है, सौराष्ट्र और कच्छ का जो गुजरात में, राइट, वहां पे जो है पानी ले जाएगा, इरिगेशन, हाइड्रो पावर एंड वाटर सप्लाई, ये इसके बेनिफिट्स, ठीक है। इसमें जो है कैनाल के थ्रू कनेक्ट किए जाएंगे। एंड रिमेम्बर दिस, पर तापी और नर्मदा तीनों रिवर जो है फ्लो करती है दोनों महाराष्ट्र और गुजरात दोनों से, याद रखना इसको, ठीक है। और इसमें डैम्स भी बनाया जाएगा, कैनाल भी बनाया जाएगा और पावर हाउसेस भी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैप में, तो दिस इज योर पर, दिस इज योर तापी, दिस इज योर नर्मदा, एक और केन बेतवा, ये तो अंडरगो कर रहा है बट इसको होल्ड पे कर दिया गया है। एक दमन दमन गंगा एंड पिंजल लिंक भी है महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में। सो ये थ्री इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर कंपोनेंट ऑफ योर इंटर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, दैट इज नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान एनपीपी, ठीक है, उसका पार्ट। नाउ नेक्स्ट इज योर डिजिटल बैंकिंग यूनिट, इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली इसी पढ़ने में मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट सिंपल है, ठीक, कुछ नहीं है। आरबीआई ने जो है यू नो नए टाइप्स, एक नए टाइप का यू नो व्हाट यू कुड से इज कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टाइप का जो है अनाउंस किया है, और गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया था इसके लिए जो है गाइडलाइंस अनाउंस की बेसिकली आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग यूनिट के, और गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंस किया था कि 75 DBU सेटअप करेंगे इन 75 डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो बेसिकली है क्या ये, दीज आर नथिंग बट यू नो दीज आर यूनिट्स जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू बैंकिंग सर्विसेज सप्लाई करेंगे। ओके, सो दे विल यू नो यूज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है, ये प्रोवाइड करेंगे। ओके, एंड दिस इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई, ठीक है। और डिजिटल बैंकिंग का मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रॉनिकली बैंकिंग सर्विसेज को एक्सेस करना, राइट। सो एंड अगेन दिस शुड बी प्रोवाइडेड बाय सम लाइसेंस्ड बैंक, ओके, फॉर फाइनेंशियल बैंकिंग एंड अदर ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे
वेबसाइट के ऊपर ट्रांजेक्शन्स कैरी आउट कर रहे हो, मोबाइल फोन के ऊपर, ठीक है, और भी डिजिटल चैनल है, ऑनलाइन आप अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है, एंड या फिर एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन को कनेक्ट कर रहे हैं डिजिटली. सो दीज आर ऑल द डिजिटल सर्विसेज. सो इलेक्ट्रॉनिकली बैंकिंग सर्विसेज जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज नोन एज डिजिटल बैंकिंग. ठीक है, और यूनिट, डिजिटल बैंकिंग यूनिट का मतलब, नाउ इट वुड बी अ फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट. सो एक फिक्स्ड पॉइंट होगा बिजनेस यूनिट का, राइट, या हब होगा जहाँ पे एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है कोई बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर करेगा. तो आरबीआई से डीबीयू खोलने के लिए सेपरेटली परमिशन देनी है. नाउ ये परमिशन कोई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक भी ले सकता है या कोई और भी ले सकता है, राइट. एक फॉर्म ऑफ डीबीयू क्या हो गया आपके, नियो बैंक. तो जैसे आप देखते हो ना पेमेंट, पेटीएम बैंक या जो दूसरे ऐसे बैंक हैं जिनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस है, तो दे आर न्यू बैंक. सो दीज आर वन फॉर्म ऑफ डिजिटल बैंकिंग यूनिट. ठीक है, ऐसे और भी हो सकते हैं, यू नो दे कुड बी इन बोथ सेल्फ सर्विस यानी खुद ही इंडिविजुअल जो नियो बैंक फॉर्मेट में है, या फिर असिस्टेड किसी के साथ टाई अप करके जो है कस्टमर्स को बैंकिंग जो है सर्विसेज और प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, राइट. सो अगेन इन इफिशियंट पेपरलेस सिक्योर्ड एंड कनेक्टेड इन्वायरमेंट, ईयर लाइफ जो है, ईयर लॉन्ग ये जो है सर्विस, जो डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज जो है बैंक्स को देंगे. ओके, और ये सर्विसेज में क्या हो सकता है, बैंक अकाउंट खोलना, ट्रांजेक्शन्स कैरी आउट करना, करंट अकाउंट खोलना या फिक्स डिपॉजिट खोलना, कस्टमर्स को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटेट करना, ये सब चीज़ें जो है ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं. तो है कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल, बस आपको ये याद रखना है कि बेसिकली ये चीज़ें याद रखना है, ओके, कि मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए टू प्रोवाइड डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, और ये चाहे तो स्टैंड अलोन हो सकते हैं सेल्फ सर्विस मॉडल में या फिर असिस्टेंट मोड में हो सकते. नाउ नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी. नाउ आरबीआई ने एक नया इंस्ट्रूमेंट है, नाउ आरबीआई हैज मेड इट अ पार्ट ऑफ योर लिक्विडिटी यू नो एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर, LAF कॉरिडोर होता है, उसका पार्ट बना दिया. नाउ ये इंस्टीट्यूशन जो है स्टैंडिंग, दोनों समझेंगे हम कि SDF क्या होता है, राइट, और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर, LAF कॉरिडोर क्या होता है. वैसे ये कुछ चीज है जो आपको अपने बेसिक्स में पढ़ी होनी चाहिए, बट सी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF कॉरिडोर, बेसिकली ये कुछ नहीं है, दिस इज अ मैकेनिज्म जिसके थ्रू आरबीआई जो है, इसके अंदर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे MSF, रेपो और रिवर्स रेपो, राइट. तो ये बेसिकली तीन इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई के पास अंडर दिस, जिसके थ्रू शॉर्ट टर्म में आरबीआई जो है इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है उसको एडजस्ट करता है. किसी बैंक को अगर मान लो शॉर्ट टर्म में अपनी लिक्विडिटी नीड्स को यू नो फुलफिल करना है, उसके लिए अंडर LAF जो है वो आरबीआई से मनी बोरो कर सकता है, या किसी बैंक के पास सरप्लस फंड है शॉर्ट टर्म के लिए, वो LAF के अंदर जो है बहुत ज्यादा फंड हो गए तो ऑब्वियसली बैंक बहुत सारे फंड होते हैं शॉर्ट टर्म में, वो आरबीआई को LAF के अंदर दे के उस पर इंटरेस्ट अर्न कर सकता है. तो एक तरफ कुछ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनके पास डेफिसिट है लिक्विडिटी का, और एक तरफ कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनके पास बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है शॉर्ट टर्म में, तो इन दोनों को अंडर LAF जो है थ्रू दीज मैकेनिजम्स आरबीआई कनेक्ट करता है. नाउ बेसिकली आरबीआई ने क्या किया है कि रिवर्स रेपो रेट को हटा के यहाँ पे अब SDF कर दिया. तो नाउ SDF इज दी फ्लोर रेट, तो SDF अब आपका जो है फ्लोर रेट जो है अंडर दिस LAF फैसिलिटी. ठीक है, तो ऐसी फ्लोर रेट मतलब जो मिनिमम रेट है, ठीक है. सो रिवर्स रेपो जो है बेसिकली जिसपे आपको आरबीआई जो है पैसा बोरो करके जो है इंटरेस्ट रेट जो है आपको बैंक्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है. तो बट अगेन रिवर्स रेपो में आपको सिक्योरिटी चाहिए होती है, SDF में गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जरूरत होती ही नहीं है विदाउट कोलेटरल, ठीक है. तो ये अगेन जैन 2014 में कहा गया था कि इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट लाएंगे, लिक्विडिटी मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट SDF, राइट. फिर 2018 में आरबीआई एक्ट को अमेंड करके इसको लाया गया, ठीक है, दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, और अभी 2022 में फाइनली इट हैज बीन लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ LAF कॉरिडोर, ठीक है. तो इसको क्या किया है, फिक्स्ड ओवरनाइट जो रिवर्स रेपो था दैट हैज बीन सीज्ड, और उसकी जगह जो है फ्लोर रेट अब आपका LAF हो जाता है. तो LAF में बेसिकली जो रेट देखोगे सबसे ऊपर होता है MSF का रेट, कि जिस इस रेट पे बैंक्स जो है पीनल रेट होता है जिसपे बैंक्स जो है बोरो करते हैं, राइट, आरबीआई से. फिर होता है रेपो रेट, तो ये होता है शॉर्ट टर्म रेट जिसपे बैंक्स बोरो करते हैं आरबीआई से, ओके. MSF ओवर एंड अबाउ रेपो रेट. सो सी ऐसा नहीं है कि रेपो रेट पे अनलिमिटेड बोरो कर सकते, एक लिमिट तक ही बोरो कर सकते,
बट अब उससे ज्यादा भी पैसा चाहिए उसको, क्योंकि बैंक्स की लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट हो गई, तो उसको रेपो रेट में भी जितना बोरोइंग कर सकते हैं उससे भी ज्यादा चाहिए, तो फिर एमएसएफ पे पीनल रेट पे। तो ये एमएसएफ रेट जो है रेपो रेट से ज्यादा होता है, और रेपो रेट के नीचे होता था पहले रिवर्स रेपो। नाउ ये वो रेट था जिस रेट पे आरबीआई जो है बोरो करती थी मनी फ्रॉम दी बैंक अगेन। और ये बोरो स्टैंडर्ड सीधा सीधा नहीं होता था, ये बोरो होता था इन फॉर्म ऑफ कि आरबीआई बोलता था फॉर बोरिंग मनी कि बैंक को अपनी सिक्योरिटी, एक रीपर्चेज एग्रीमेंट होता था। सी रेपो का मतलब ही होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट। ओके, तो एक रीपर्चेज एग्रीमेंट होता था कि आरबीआई, सी लेट मी जस्ट टेल यू, ये तो रिवर्स रेपो का आप देख सकते हो। सो रिवर्स रेपो में क्या होता था, रिवर्स सी रेपो में क्या करता है आरबीआई, लेंड करता है बैंक्स को अगेंस्ट सिक्योरिटीज, अगेंस्ट सिक्योरिटीज आरबीआई अंडर रेपो। अब रेपो के भी बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, एलटीआरओ वगैरह, ये सब वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो रेपो में क्या करता है, आरबीआई लेंड करता है अगेंस्ट दी सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ओके, सो किसी बैंक को अगर पैसा चाहिए होगा तो दिस इज अ बैंक एंड दिस इज आरबीआई। ओके, जस्ट लेट मी, कि रेपो में क्या होता है, हम बात कर रहे हैं रेपो की। रेपो में आरबीआई क्या करता है, लेंड करता है अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो बैंक है और आरबीआई है, और ये लेंडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो बैंक है, आरबीआई है, बैंक के पास, नाउ बैंक को ये हो गया कि शॉर्ट टर्म में उसको पैसा चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, मान लो उसको किसी के डिपॉजिट्स वापस कर, ठीक है। तो बैंक के पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक क्या करेगा, आरबीआई को दे देगा, राइट। और आरबीआई को सिर्फ दे देगा, और आरबीआई इसके अगेंस्ट उसको पैसा देगा। बट यहीं पे बात नहीं खत्म होती, बैंक बोलता है कि इस ये सिक्योरिटी मैंने आज आपको दी है 100 रुपए की, आरबीआई बोलता है इस पे डिस्काउंट रेपो रेट मान लो 5% है, डिस्काउंट लगा के 95 में जो है ये जो है उसको 95 रुपीज देता है कि 5% रेपो रेट था, तो आप 100 रुपए की मेरे को दो, मैं आपकी सिक्योरिटी पे 5% रेपो रेट का डिस्काउंट लगाता हूँ और आपको 95 रुपीज देना 100। और ये बैंक कहता है कि कल मैं आपसे ये सिक्योरिटी, तो ये आज हो गया day 1, और कहता है कि कल day 2 में ये सिक्योरिटी में वापस, जो सिक्योरिटी दी है गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को, राइट, यहाँ पे आरबीआई, आरबीआई के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है ये कल उसको वापस खरीदेगा बैंक। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है आरबीआई वापस ले लेता है, वो बैंक जो है वापस खरीद लेता है, और कितने में खरीदेगा, 100 रुपए, राइट। सो दिस इज हाउ रेपो वर्क। नाउ रिवर्स रेपो कैसे वर्क करेगा, रिवर्स रेपो में आरबीआई बोरो करता है फ्रॉम कमर्शियल बैंक अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो क्या होता है, day 1 में आरबीआई बोलता है बैंक को कि आप मेरी ये सिक्योरिटी ले लो और इसकी जगह आप मुझे पैसा दे दो, राइट। अगेन सिक्योरिटी 100 रुपए की है, रिवर्स रेपो मान लो 5 है, तो ये उसको 95 रुपीज देगा। और आरबीआई क्या कहता है कि day 2 में अंडर रिवर्स रेपो कमर्शियल बैंक जो है वापस आरबीआई को सिक्योरिटी देता है, और आरबीआई उसको क्या देगा, सिक्योरिटी प्लस रिवर्स रेपो का इंटरेस्ट, यानी उसको पूरे 100 रुपीज वापस देगा, ठीक है। सो यहाँ पे आरबीआई ने जो है उसको जो है पूरे 100 रुपीज वापस दी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है लिक्विडिटी मैनेज होती है। बट अब बात आ जाती है एसडीएफ की, तो एसडीएफ क्या है ऐसा, फिर एसडीएफ को क्यों लाया, ठीक। रिवर्स रेपो में क्या है, सिक्योरिटीज की जरूरत होती है, सिक्योरिटीज की जरूरत होती है टू कैरी आउट द ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये रीपर्चेज है। बट जो आपका एसडीएफ फैसिलिटी है उसमें देर इज नो नीड ऑफ दिस, सीधा इसका रेट है, राइट, 3.75 रखा गया है अभी। तो आरबीआई जो जो है इससे पैसा जो है अगर इसको डिपॉजिट करेगा यहाँ पे इसके पास 100 रुपए, सो नेक्स्ट डे 103.75 रुपीज जो है, ये अगेन मैं बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अगेन हो सकता है ये कुछ और हो सकता है, बट सिंपल वे में ये है कि जो भी रेट है तो उसको नेक्स्ट डे वो 103 पॉइंट इतना पैसा देगा। नो नीड फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नो नीड फॉर दिस रीपर्चेज एग्रीमेंट, ठीक है, ये चीज है। ओके, सो अगेन लैफ बता दिया मैंने आपको, अपर एंड ऑफ लैफ जो है, फ्लोर क्या है, लिक्विडिटी एडजस्ट, याद रखना लिक्विडिटी एडजस्टमेंट कॉरिडोर का जो लैफ है उसमें हाईएस्ट रेट है एमएसएफ, ये सीलिंग हो गए। बीच में आ गया रेपो, फिर आता था आपका रिवर्स रेपो, ये आपका होता था फ्लोर रेट, बट अब इसको कर दिया है, हटा दिया, इसकी जगह क्या लिया है, एसडीएफ, राइट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ओके, ये एमएसएफ में भी आपकी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती, याद रखना, ठीक है। सो एसडीएफ जो है आपका जो है विदाउट सिक्योरिटी जो है बैंक्स जो है आरबीआई को जो है पैसा अपना रख सकते हैं आरबीआई के पास एट सर्टेन इंटरेस्ट, ठीक है।
तो एंड अगेन बेसिकली इन रेट्स को बैंक बढ़ा घटा सकता है टू मॉडिफाई दी लिक्विडिटी इन इकोनॉमी। मान लो अगर रेपो रेट आरबीआई घटाता है तो आरबीआई से पैसा लेना सस्ता हो जाता है, बैंक ज्यादा पैसे लेंगे, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, राइट। बट रेपो रेट बढ़ाता है तो लिक्विडिटी कम हो जाती है। एसडीएफ अगर आरबीआई बढ़ाएगा तो भी लिक्विडिटी कम होगी, क्यों? क्योंकि एसडीएफ बढ़ाएगा यानी आरबीआई के पास पैसा रखने में बैंक्स को ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो बैंक्स ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखे, ठीक है। तो ओवरऑल दिस वॉज दिस कॉन्सेप्चुअल थिंग, बाकी फीचर्स जान लो, राइट। इट इज टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी, क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा लिक्विडिटी, यानी एसडीएफ बढ़ाओगे, एसडीएफ को की रेट को अगर बढ़ाया गया तो लिक्विडिटी इकोनॉमी से सक आउट होगी, ठीक है। पैसा जो है आरबीआई के पास डिपॉजिट करेंगे, राइट, विदाउट एनी कोलेटरल, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। 3.75 रखा है, अगेन इट कुड बी वेरी, ठीक है। तो एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी बोथ ट्रांजिएंट एंड ड्यूरेबल लिक्विडिटी, राइट। ओवरनाइट बेसिस पे भी होता है ये, सो रेपो मोस्टली ओवरनाइट बेसिस पे होते हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी हो सकते थे, राइट, जिनको टर्म रेपो बोलते हैं, ओके, या लॉन्ग टर्म के लिए एलटीआरओ वगैरह बोलते हैं, ये भी ओवरनाइट बेसिस पे, बट फ्लेक्सिबिलिटी होगी इसमें टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी फॉर लॉन्गर टेन्योर विद अप्रोप्रिएट प्राइसिंग, यानी लॉन्गर टेन्योर के लिए रेट जो है चेंज हो सकता है। एंड अगेन इसमें जो पैसा अंडर दिस एक आपको पता है सीआरआर होता है, जिसके अंडर आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट करना होता है बैंक्स को, अराउंड 4% होता है कैश या कुछ जो है लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में। तो इसमें जो पैसा अंडर एसडीएफ डिपॉजिट करेंगे बैंक्स आरबीआई के पास, इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ सीआरआर रिक्वायरमेंट, ओके, याद रखना, द मनी डिपॉजिटेड अंडर एसडीएफ विल नॉट क्वालिफाई एज अ पार्ट ऑफ सीआरआर रिक्वायरमेंट, ठीक है। इट कैन बी इन्वोक बाय बैंक्स एनी टाइम, वेयर एज, अगेन एक और चीज इसमें है कि बैंक्स इसमें से रेपो रिवर्स रेपो के लिए ऑप्शंस होती है इसमें से, ठीक है, जब जब ऑप्शंस होती है तभी कर सकते हैं, ओके। बट एसडीएफ में किसी भी वक्त में, एसडीएफ एक फिक्स रेट है, सिक्योरिटी की जरूरत है नहीं, तो ऑप्शन की जरूरत नहीं, तो किसी भी टाइम पे एसडीएफ रेट पे जो है कोई भी कमर्शियल बैंक जो है अपना पैसा आरबीआई के पास रख सकता है एट द टाइम ऑफ इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो कोई अदरवाइज उसमें क्या होता था, रेपो रिवर्स रेपो में बिट्स होती थी, ऑप्शन होती थी, उसकी जरूरत पड़ती थी, जब बिट्स ऑप्शन होगी तभी लिक्विडिटी, इसमें एट एनी टाइम, ठीक है, ये याद रखना। तो प्लीज रिमेंबर दीस पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, इसमें ज्यादा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस को याद रखना। और बेनिफिट्स क्या है, इट विल इनेबल स्टेबलाइजेशन ऑफ लिक्विडिटी विदाउट एनी कंस्ट्रेंट ऑफ कोलेटरल्स, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। प्रोवाइड फ्रीडम टू बैंक्स टू प्लेस देयर फंड्स टू अर्न इंटरेस्ट विदाउट वेटिंग फॉर ऑप्शंस, ठीक है। एंड एक्सेस टू एसडीएफ एंड एमएसएफ विल बी एट डिस्क्रिशन ऑफ बैंक, राइट, अनलाइक रेपो रिवर्स रेपो ओएमआर सीआरआर, जो सिर्फ जो है आरबीआई जब करता है तभी बैंक्स कर सकते हैं, एसडीएफ और एमएसएफ कभी भी कर सकते हैं डिपॉजिट या बोरो। नेक्स्ट इज सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, सो सेमीकॉन मतलब सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इसके लिए ये प्रोग्राम सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के। एम क्या है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंपनीज जो सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चर कर रही है, इनको डिजाइन मैन्युफैक्चर प्लस डिजाइन दोनों, याद रखना यहाँ पे मैन्युफैक्चर और डिजाइन दोनों, ठीक है। और इसके अंदर चार स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं इस प्रोग्राम में, वन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू सेटअप सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन लैब्स, वन इज फॉर डिस्प्ले फैब्रिकेशन लैब्स, की कोई सेटअप कर रहा है तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा। देन देर इज अ स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ कंपाउंडेड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेमी सेंसर फैब एंड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग मार्किंग, ये जो है फैसिलिटीज, तो इस टाइप की फैसिलिटीज कोई सेटअप कर रहा है तो उनको सपोर्ट किया जाएगा। और एक हो गया आपका डिजाइन लिंक डीएलआई स्कीम जो हमने पहले देखा था, ठीक है। सो ये सब चीजें जो है अंडर सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, याद रखना ये चार स्कीम सेमीकंडक्टर, सो बेसिकली ये याद रखना कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या है, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन, उसके लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा। तो कोई भी बंदा अगर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन लैब सेटअप करता है या डिस्प्ले फैब्रिकेशन लैब सेटअप करता है या सेमीकंडक्टर या डिस्प्ले फैब्रिक जो है डिजाइन करना चाहता है या फिर कुछ भी और भी कोई फैसिलिटी सेटअप करता है इनसे रिलेटेड, उसके लिए उसको सपोर्ट और असिस्टेंस दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एनुअल रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय आरबीआई एंड द थीम ऑफ दिस रिपोर्ट वॉज टू रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट, ओके। तो क्या बेसिकली इसमें बताया गया कि क्या क्या किया जा सकता है टू अचीव अ मीडियम टर्म स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट इज लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर ली, तो बेसिकली क्या है, 20 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जिसके थ्रू ग्लोबली हम जो है, ठीक
ग्लोबल रेफरेंस डेटा सिस्टम के अंदर हर किसी एंटिटी को, लीगल एंटिटी को, कहीं भी किसी भी जुरिस्डिक्शन में है, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो कोई भी लीगल एंटिटी इन एनी जुरिस्डिक्शन फॉर एनी हु इज अ पार्टी टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू दिस लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ठीक है, जो एक 20 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड है, राइट। एंड इट इम्प्रूव द क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल डेटा रिपोर्टिंग, राइट। डेफिनेटली जब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो फाइनेंशियल डेटा रिपोर्टिंग बेटर रहेगी, राइट, एंड देयर वुड बी बेटर रिस्क मैनेजमेंट। ओके, एंड आरबीआई एक्सटेंडेड द गाइडलाइंस ऑन ले टू लार्ज बोरोवर्स, सो इसके लिए गाइडलाइंस निकाल दी आरबीआई ने फॉर लार्ज बोरोवर्स एंड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। सो इनके लिए कोई भी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल होगी, इनका ले के थ्रू हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस ट्रांजेक्शन में ये लोग इन्वॉल्व थे। नेक्स्ट इज योर निधि कंपनीज। सो निधि अगेन इट इज अगेन टाइप ऑफ कंपनी एनबीएफसी, ओके, एंड इट इज रिकग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 406 ऑफ कंपनीज एक्ट। याद रखना ये कंपनीज दे आर पार्ट ऑफ योर कंपनीज एक्ट, ठीक है। पर्पस क्या होता है, टू बोरो एंड लेंड मनी टू इट्स मेंबर्स। सो अपने मेंबर्स से ही ये मनी बोरो करते हैं और फिर आपस में ही लेंडिंग करते हैं, राइट। सो इससे जो है मेंबर्स में एक सेविंग की हैबिट बनती है और एक देर इज अ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है। नाउ दे डोंट रिक्वायर, याद रखना दीज कंपनीज डोंट रिक्वायर अ लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई, दैट्स वाई दे आर वेरी इजी टू फॉर्म, और इसलिए देर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न रिगार्डिंग देयर रेगुलेशन, राइट। और ये रजिस्टर्ड होती है एज कंपनी, सो क्योंकि ये कंपनी के फॉर्म में होती है, इनको जो है इनका लास्ट वर्ड में क्या होता है, ये होना चाहिए निधि लिमिटेड लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो इन देयर लास्ट वर्ड, तो जो भी कंपनी, कैसे पता चलेगा कोई कंपनी निधि कंपनी है, उनका जो भी कंपनी का नेम है लास्ट में निधि लिमिटेड होना चाहिए उसके, ठीक है। एंड यू नो जो भी सेटअप होना चाहिए, यू नो विद शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख नीड्स टू फर्स्ट गेट इटसेल्फ डिक्लेयर्ड कि ये एक जो है इज अ निधि कंपनी फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट एंड इट इज रेगुलेटेड बाय बोथ एमसीआई एंड आरबीआई, राइट। एमसीए से जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से जो है वो कंपनी एक्ट के प्रोविजन रिगार्डिंग रेगुलेट होता है, जबकि आरबीआई में जो उसकी लेंडिंग एक्टिविटीज है और बोरोइंग एक्टिविटीज है वहां पे रेगुलेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एफएओ फूड प्राइस इंडेक्स, ठीक है। सो जैसा आपको पता है एफएओ ने लॉन्च किया है, ये मेजर करता है मंथ, बेसिकली न्यूज में था क्योंकि ये यू नो इट इज एट ऑल टाइम हाई, और ये ऑल टाइम हाई क्यों है, बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट रशिया और जो यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसके कारण जो है फूड क्राइसिस हो रहा है ग्लोबली, तो दैट्स व्हाई दिस इंडेक्स फूड प्राइस इंडेक्स एफएओ का आल्सो नोन एज यू नो वर्ल्ड फूड इंडेक्स, राइट, ये ऑल टाइम हाई पे, ठीक है। सो इट मेजर्स मंथली चेंज इन इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ अ बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज। कौन सी फूड कमोडिटीज हैं, तो इसमें सीरियल का प्राइस इंडेक्स होता है, शुगर, मीट, वेजिटेबल ऑयल एंड डेयरी, तो इन सब का जो है गुड्स का जो है वेटेज होता है इसमें, ठीक है। सीरियल, शुगर, मीट, वेजिटेबल ऑयल एंड डेयरी, ठीक है, एंड इनका वेटेड एवरेज होता है बाय द एवरेज एक्सपोर्ट कितना रहा है इनका ओवर दिस बेस ईयर, ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट इज कैशलेस कार्ड विड्रॉल सिस्टम एट एटीएम। सो आरबीआई ने कहा है अब सारे एटीएम्स अक्रॉस द कंट्री ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि लोग विदाउट कार्ड उन एटीएम से जो है अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, और ये कैसे होगा, दिस विल बी डन थ्रू अगेन यूपीआई। सो यूपीआई बहुत न्यूज में आ रहा है, प्लीज खुद से भी थोड़ा बहुत यूपीआई को जो है सर्च कर लेना, ठीक है। तो फीचर विल लेट कंज्यूमर्स यूज यूपीआई ऑन देयर स्मार्टफोन्स, बट स्मार्टफोन्स के थ्रू ही चाहिए होगा टू विड्रॉ द कैश फ्रॉम एटीएम्स, राइट। तो अगेन बेसिकली आप एटीएम पे जाओगे, आप यू नो इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फिर एक बारकोड आएगा, बारकोड कितना अमाउंट इस विड्रॉ करना है, स्कैन करोगे बारकोड, फिर उसमें एंटर करोगे कि आपको जो अमाउंट विड्रॉ करना है, और यूपीआई पिन एंटर करोगे अपने मोबाइल पे, और फिर वहां से आपका जो है एटीएम से कैश डिस्पेंस होगा, राइट। दिस विल बी ऑथेंटिकेटेड बाय यूपीआई एंड इट विल एनहांस सिक्योरिटी ऑफ कैश विड्रॉ ट्रांजेक्शंस एंड इट विल ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉड्स लाइक कार्ड स्कीमिंग एंड कार्ड क्लोन, ठीक है, सो और कन्वीनियंस हो जाएगी। नेक्स्ट इज योर ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। तो बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट सर्वे है जिसके थ्रू मेजर करते हैं कि क्या लोगों का स्पेंडिंग है, जिससे पता चलता है हमें पॉवर्टी लेवल्स और जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो लोगों का है उसके बारे में। तो अब ये यू नो डिसाइड किया गया है कि आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक 2011-12 के बाद अब जुलाई में यू नो जिस 2022 जुलाई में इसको वापस जो है कंडक्ट करना किया जाएगा, राइट।
और इट इज क्विनेलियन, यानी एवरी 5 ईयर्स में कंडक्ट होना चाहिए था, बट आफ्टर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स ये कंडक्ट किया जा रहा है, राइट? एंड इट इज कंडक्टेड बाय एनएसएसओ, विच इज अ पार्ट ऑफ एनएसओ, नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉस्पी, ठीक है? और इससे हमें जो है कंजप्शन पैटर्न्स पता चलेंगे अक्रॉस द कंट्री, बोथ रूरल एंड अर्बन. इससे हम मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर निकालते हैं, राइट? एज वेल एज किस हाउसहोल्ड की, किन हाउसहोल्ड का कैसा एक्सपेंडिचर है, राइट? और क्या एक्सपेंडिचर है, तो वो सब हमें पता चलता है. इन चीजों से हमें जो है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता चलता है. ओके, नेक्स्ट इज फिनक्लुएशन. सो लॉन्च बाय इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, राइट? इट इज अ परमानेंट प्लेटफॉर्म ऑफ आईपीपीबी टू को क्रिएट इंक्लूसिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, राइट, विद स्टार्टअप्स. यानी इसके थ्रू जो है स्टार्टअप से कोलैबोरेट करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और ऐसे इनोवेशंस लाएंगे जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है प्रमोट कर सकते हैं. दिस इज नोन एज फिनक्लुएशन. सो याद रखना, फिनक्लुएशन किसने लॉन्च किया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने, और उसका एक परमानेंट प्लेटफॉर्म है फॉर इंक्लूसिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, जहां पार्ट स्टार्टअप्स वगैरह के जो है कोलैबोरेशन होगा विद फिनटेक स्टार्टअप्स फॉर एक्सेलरेटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू इनोवेशन, ठीक है? नेक्स्ट इज योर एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड कैपिटल गुड्स स्कीम. ओके, तो अंडर दिस स्कीम बेसिकली आप देख सकते हो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कैपिटल गुड्स की स्कीम, ठीक है? तो कैपिटल गुड्स जो है इंपोर्ट करने पे, अंडर दिस स्कीम जो है, अगर आप कोई कैपिटल गुड इंपोर्ट कर रहे हो और उस कैपिटल गुड को यूज करके आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करोगे. सी, कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनको यूज करके कंज्यूमर गुड्स या दूसरे ऐसे गुड्स जो जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, राइट? सो ऐसे गुड्स आप मैन्युफैक्चर करके उनको एक्सपोर्ट करोगे, तो ऐसे कैपिटल गुड्स के इम्पोर्ट पे आपको इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी. तो टू फैसिलिटेट द इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स विथ एम टू एनहेंस द प्रोडक्शन क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देयर बाय इंक्रीजिंग इंडियाज इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव, राइट? तो मैन्युफैक्चरर्स कैन इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स फॉर प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन विदाउट अट्रैक्टिंग कस्टम ड्यूटी. बट एक कंडीशन है, जो भी उन्होंने कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किए उनके थ्रू उनको ऐसे क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करने, जो वो एक्सपोर्ट करके इट दे वुड एक्सपोर्ट इक्विवेलेंट टू 6 टाइम्स की ड्यूटी दे उसे, यानी 100 रुपए की ड्यूटी. अगर अगर कोई गुड इंपोर्ट करने पे उन्होंने 100 रुपए की ड्यूटी सेव किए, तो उनको अगले 6 साल में उस कैपिटल गुड को जिसको इंपोर्ट करने में उन्होंने 100 रुपए की ड्यूटी सेव किए, उस कैपिटल गुड से गुड्स मैन्युफैक्चर करके 600 रुपीज का जो है अपना जो है एक्सपोर्ट जो है उनको करना पड़ेगा इन द नेक्स्ट 6 ईयर्स, ठीक है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये रिपोर्ट IMF लॉन्च करता है. इट हैज कट इट्स फोरकास्ट ऑफ GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया टू 8.2, बट अगेन अगर तभी भी देखें तो इट इज फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी इन वर्ल्ड. स्टिल एज पर दिस रिपोर्ट इंडिया इज फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट ट्वाइस एज फास्ट एज चाइना, ठीक है? नेक्स्ट इज फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 FPO. तो ये स्कीम बेसिकली न्यूज में थी, तो यू शुड नो द प्रोविजंस ऑफ दिस स्कीम. बेसिकली आई होप यू नो व्हाट आर FPOs, ठीक है? दी FPOs आर नथिंग बट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन. तो जो भी फार्मर्स हैं वो प्रोड्यूस करते, तो वो मिल के एक कंपनी बनाएंगे, राइट? दे ऑल वुड बी कम टुगेदर एंड फॉर्म अ कंपनी. और इस कंपनी का फंक्शन क्या होगा कि ये कलेक्टिवली जो है उन फार्मर्स का इंटरेस्ट देखेगी, उन फार्मर्स के गुड्स को प्रोड्यूस जो है कलेक्टिवली गुड्स प्रोड्यूस करेगी, उन गुड्स को कलेक्टिवली मार्केट करेगी, कलेक्टिवली इनपुट्स प्रोक्योर करेगी फॉर ग्रोइंग दोज गुड्स, राइट? दैट इज द एम. ओके, तो इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विथ फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ FPOs, राइट? एंड दिस FPOs विल बी फॉर्म थ्रू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, राइट? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन सी हो गई? एसफैक, स्मॉल फार्मर्स कंसोर्टियम, ठीक है? देर आर अराउंड 9. ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट है एसफैक, NCDC, ओके, आपका नाबार्ड हो गया. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी. नाउ अंडर दिस स्कीम जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, दे विल फॉर्म FPOs बेस्ड ऑन प्रोड्यूस क्लस्टर एरिया अप्रोच एंड स्पेशलाइज्ड कमोडिटी. यानी एक FPO बना देंगे, मान लो कहीं किसी एरिया है जैसे महाराष्ट्र, वहां का रत्नागिरी है, वहां पे मैंगोज बहुत फेमस है, तो उन मैंगोज के लिए एक FPO बना देंगे, राइट? वो FPO में वहां के जो सारे मैंगो प्रोड्यूसर से एक साथ आ जाएंगे और वो अपना मैंगो का प्रोडक्शन करेंगे. या मान लो कहीं MP है जहाँ पे वीट ग्रो किया जाता है मध्य प्रदेश में, राइट?
उस सो एमपी में एक प्रोडक्शन क्लस्टर है वीट का, तो और वहां पे स्पेशलाइज्ड कमोडिटी है वीट, तो जो भी सारे फार्मर्स है इस वीट के, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी आएगी और उन फाइव फार्मर्स को बोलेगी कि आप सब मिलके एक एफपीओ बनाओ और उस एफपीओ को कैसे रन करना उसमें भी उनको जो है सपोर्ट करेगी। ठीक है, एफपीओ विल बी फोकस्ड ऑन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी। ठीक है, फॉर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, कि एक डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में वीट है, इस डिस्ट्रिक्ट में मान लो राइस है, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में रागी है, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में बाजरा है, ये पॉलिसी। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही चीज, एक ही प्रोडक्ट के लिए, एक ही कमोडिटी के लिए जो है आपके एफपीओ बनेंगे। ठीक है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी 18 लाख फॉर पर एफपीओ फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर फॉर एफपीओ मैनेजमेंट एंड कॉस्ट। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस है, क्योंकि इससे एज्यूम किया जा रहा है कि एफपीओ के थ्रू फार्मर्स की जो है बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है और कोऑपरेटिव से ये ज्यादा बेटर है। राइट, दैट्स वाई एफपीओ को जो है प्रमोट किया जाए। कोऑपरेटिव के सारे बेनिफिट्स हैं बट देट आर इट इज बेटर देन कोऑपरेटिव, क्योंकि इसके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कंपेयर टू कोऑपरेटिव। एंड द लास्ट इशू दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, जो आप सबको पता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा न्यूज में, अभी भी न्यूज में, काफी समय से न्यूज है। तो ये पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस होते कैसे हैं, क्या क्या बीच में कंपोनेंट्स होते हैं, वो समझना है, क्योंकि देर इज अ पॉसिबिलिटी ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे बेस चीज होती है क्रूड ऑयल। राइट, जो क्रूड ऑयल होता है इसी को रिफाइन करके आपका पेट्रोल और डीजल निकलता है। तो बेस मटेरियल जो है क्रूड ऑयल, और आज की डेट में इतने ज्यादा प्राइस क्यों बढ़ रहे, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। राइट, क्रूड ऑयल के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो दोनों मेजर सप्लायर्स थे इसके। राइट, और तो पहला तो बेस क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो हो गया। दूसरी चीज हो गई कि आपका जो है ओशन फ्रीट एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ऑब्वियसली क्रूड ऑयल को लाने में पैसा लगता है, वो भी हो गया। राइट, नाउ दिस क्रूड ऑयल का प्राइस कौन ओएमसी पे करती हैं, तो ऑयल प्रोड्यूसर्स। राइट, जैसे मान लो कहीं बाहर, और इंडिया के केस में 80% इम्पोर्ट होता है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ओएमसीज हैं, जो इंडिया की गेल सेल, गेल हो गया, गैस इंडिया जो है लिमिटेड। राइट, जो आपकी हो गई ओएनजीसी हो गई, ये जो है प्राइस पे करेंगी ये इंटरनेशनल जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको। फिर रिफाइनरीज होती हैं, तो रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइस होता है, तो प्राइस पेड बाय ओएमसी टू रिफाइनरीज। ठीक है, फिर यहाँ से जो है डीलर्स को जो है, ये जो रिफाइनरीज हैं ये डीलर्स को सप्लाई करती हैं, और ये रिफाइनरीज डीलर से प्राइस लेती हैं, तो प्राइस हो गया डीलर के पास। अब राइट, अगेन यहाँ पे रिफाइनरीज अपना कुछ मार्जिन रखेंगे। राइट, यहाँ पे क्रूड ऑयल खरीदने में वो कुछ अपना प्रॉफिट रखेंगे, यहाँ पे चार्ज आ गया। फिर इसके बाद डीलर को जो है, जो भी बेचता है अपना जो पेट्रोल या डीजल, उस पे सेंटर की एक्साइज ड्यूटी लगती है, जो रिसेंटली कम की गई है। राइट, और डीलर का कमीशन होता है उसमें। राइट, और जो है आपके स्टेट के वैल्यू एडेड टैक्स लगते हैं फिर उसके ऊपर, और फाइनली इन सब के बाद जो है प्राइस जो कंज्यूमर पे करता है। तो आप देख सकते हो सेंटर का टैक्स, डीलर का कमीशन, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, राइट, और क्रूड ऑयल का बेस प्राइस। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस के कारण जो है आपका पेट्रोल डीजल का प्राइस जो है बहुत हाई है कंट्री। तो विद दिस वी कंक्लूड अवर मैराथन सेशन। आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड ऑलमोस्ट जो भी सारे रेलिवेंट और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे इंक्लूड की जाए। ओके, एंड इट इज पॉसिबल कि हो सकता है एक दो छोटे मोटे इश्यूज छूट जाएं, बट अगेन दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस। राइट, ये सब आप पहले ट्राई करिए, 1.5 आवर के अराउंड में आपका कवर हो जाए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। राइट, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें जो हैं जिन पे वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी है कवर होने की, राइट, वो यहाँ पे करा देंगे। एंड विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।